नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 23 सितंबर 2023 के जो अलग अलग प्रमुख समाचार हैं उनकी चर्चा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और ये चर्चा का आधार द हिंदू समाचार पत्र के जो अलग अलग आलेख हैं वो प्रमुख रूप से रहेंगे। और जैसा आप सभी जानते ही हैं, यानी हमारी चर्चा के आधार पर आप ये बात आप समझ ही चुके हैं कि हमारा जो विश्लेषण है वो मुख्य परीक्षा और एक तरह से प्रारंभिक परीक्षा, ये दो भाग में प्रमुख रूप से बटा रहेगा। तो मुख्य परीक्षा के जो हमारे आर्टिकल हैं ये दो प्रमुख आर्टिकल हैं और ये दोनों आर्टिकल में अगर आप देखें तो एक अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हमारे जो खिलाड़ी एशियाई खेल में भाग ले रहे हैं उनके लिए जो स्टेपल्ड यानी एक तरह से एक स्टेपल किया हुआ वीज़ा देने की प्रक्रिया चीन ने फिर से करी है, आप देखें पहले भी उसने किया था, तो उसी को एक तरह से भारत ने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है। हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं वो एशियाई खेल में अब भाग नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे, खासतौर से अलग अलग वीज़ा के जो प्रकार हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरा एक टॉपिक, और आप देखें इसके बारे में चर्चा G20 के बाद से और ज़्यादा बढ़ गई है, जब से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो एक आर्थिक कॉरिडोर या कह सकते हैं एक गलियारा बनाने की बात को लेकर एक समझौता हुआ है। तो जो पश्चिम एशिया का हिस्सा है उसको लेकर एक तरह से जो बड़ा पावर स्ट्रगल है वो दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में या वैश्विक रूप में स्थितियाँ क्या हैं वो इस आलेख में बहुत महत्वपूर्ण रूप में चर्चा किया गया है, उसको हम यहाँ पर इसके अलग अलग जो आयाम हैं वो देखेंगे। प्रिंस के संदर्भ में आप देखें तो चार टॉपिक हैं। एक टॉपिक भारत में जो औद्योगिक अलग अलग विवाद होते हैं उसमें कोर्ट में जाए बिना आप मध्यस्थ या किसी भी तरह की आप कह सकते हैं जो मीडिएशन होता है उससे प्रक्रियाएं करके समाधान कैसे प्राप्त करें, उसके संदर्भ में आप देखें तो संसद में एक कानून पारित हो चुका है और राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद अंतिम रूप में जब लागू होगा तो देश के उद्योग जगत के लिए बेहतर स्थितियाँ रहेंगी। तो इस आलेख को हम देखेंगे। क्वैड मिनिस्टर्स की बैठक हुई है और किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं। शासक यहाँ पर अगर हम देखें तो संसद का एक पैनल है जिसकी तरफ से ये कहा गया है कि जो भी पुरातत्व सर्वेक्षण की अलग अलग इमारतें संरक्षित हैं वहाँ पर स्थितियों में थोड़ा ढील देने या उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। अंतिम आलेख अगर हम देखें तो भारत में जो लोग बाइक के शौकीन हैं उनके लिए आप देखें तो मोटो जीपी का जो एक सत्र है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है और ये उसी जगह पर है जहाँ पर फॉर्मूला वन की रेसिंग भारत में यानी जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हुई थी वो उसी जगह पर एक तरह से आयोजित की जा रही है। तो हम इसके अलग अलग जो पक्ष हैं या इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के जो बिंदु हैं वो देखेंगे, क्योंकि जब भारत में फॉर्मूला वन शुरू किया गया था आप देखें तो उससे संबंधित क्वेश्चन UPSC ने पूछा हुआ था। तो अगर यहाँ पर टू व्हीलर के लिए ये जो एक वैश्विक रेस है MotoGP अगर वो आयोजित की जा रही है तो इससे भी एक क्वेश्चन बनने की संभावनाएं दिखती हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये अलग अलग आलेख हैं, इनकी विस्तृत रूप में हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित आपको मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं दोनों आलेख से संबंधित वो भी देंगे और कोशिश करा करें कि आप लोग घर पर इसे लिखें। और बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि वो घर पर लिखते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ अगर कुछ कमेंट करेंगे आप तो वो भी बेहतर रहेगा। और कुछ बच्चे कमेंट करते भी हैं तो और लोग भी उनसे सीख कर कुछ कमेंट जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसके लिए करें और जो क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के लिए या ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जाते हैं अलग से हमारे सेशन में उसके आंसर भी काफ़ी सही रूप में बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो जितने ही बच्चे देते हैं आप सबको एक तरह से मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप लगातार ऐसे ही जो प्रश्न रहते हैं उनके उत्तर जरूर देते रहें, क्योंकि देखिए जब हम प्रश्न देते हैं तो उद्देश्य रहता है कि आप अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें साथ साथ इन प्रश्नों का महत्व देकर उनको सर्च करके उनके बारे में महत्वपूर्ण सूचना इकट्ठी करें। यानी कोई भी टॉपिक है उसमें क्या क्या एक प्रश्न की स्थितियाँ हो सकती हैं, कोई भी प्रश्न पूछने का प्रमुख रूप से उद्देश्य यही रहता है। चलिए तो अब आगे हम बढ़ते हैं और अपने यहाँ पर इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए एशियाई खेल का जो आयोजन है वो चीन के हैंगझाओ में होने वाला है और आप देखें जो भारतीय एक तरह से जो दल है वो प्रस्थान कर चुका है, काफ़ी हद तक लोग पहुँच भी चुके हैं। एक यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम वुशु खेल की बात करें तो वुशु की जो टीम के 3 सदस्य हैं उनके संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो चीन की सरकार है यानी चीन का जो यहाँ पर दूतावास है उनकी तरफ से एक स्टेपल्ड यानी एक तरह से आप कहें कि एक स्टेपल किया हुआ एक जो वीज़ा है वो जारी किया गया है, यानी जो सामान्य वीज़ा होता है उस सामान्य वीज़ा से अलग हटके एक वीज़ा यहाँ पर जारी किया गया है। तो ये जो स्टेपल्ड वीज़ा है इसको लेकर कहीं ना कहीं भारत ने एक आपत्ति दर्ज कराई है और भारत का कहना है कि ये जो स्टेपल्ड वीज़ा यहाँ पर जारी किया गया है इसके माध्यम से कहीं ना कहीं भारत की एक जो अखंडता या कह सकते हैं हमारी जो एक क्षेत्रीय एकता है उसके संदर्भ में कुछ विवादित एक स्थिति चीन बना रहा है। क्योंकि आप देखिए चीन की तरफ से हमेशा इस तरह का एक क्लेम रहा है कि कुछ भारत के क्षेत्रों पर वो विवादित रूप में अपने अधिकार एक तरह से मानता है और अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस बात को पहुंचाने का प्रयास करता है। क्योंकि किसी भी जगह पर आपका किसी भी तरह का अधिकार अगर बनता है या नहीं बनता है उसके बारे में अगर मान लीजिए वो क्षेत्र आपके नियंत्रण में पूरा नहीं है
तो आप अंतर्राष्ट्रीय जनमत में उस बात को पहुंचाते हैं कि आपका पक्ष क्या है। और चीन इस तरह के स्टेपल्ड वीजा को जारी करके, खासतौर से हमारे जो भी खिलाड़ी, या कह सकते हैं इसके पहले भी घटनाएं हुई हैं, कुछ सिविल सर्वेंट के साथ नहीं ऐसा हुआ है कि जो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं और चीन मान लीजिए किसी संदर्भ में उनका दौरा है, तो वहां पर चीन सरकार की तरफ से स्टेपल्ड वीजा एक तरह से दिया गया। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो ये दिखाती है कि चीन सरकार अरुणाचल प्रदेश को लेकर या जिन क्षेत्रों को वो एक विवादित क्षेत्र के रूप में मानता है, जबकि भारत सरकार हमेशा अपनी इस लाइन को स्पष्ट करती है कि चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें या लद्दाख की बात करें, वो सारा जो क्षेत्र का भाग है वो भारत का एक तरह से अभिन्न हिस्सा है। तो चीन सरकार का ये जो कदम है वो आप कह सकते हैं कि चीन की जो पुरानी पोजीशन है उसी को कहीं ना कहीं एक तरह से आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और यहाँ पर आप देखें कि भारत के जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से भी कहा गया है या उनको एक तरह से यहाँ पर जो दौरा करना था, इस एशियाई खेल में भाग लेना था, उस दौरे को एक तरह से यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। तो ये दोनों आलेख के माध्यम से आप देखें प्रमुख रूप से चीन की तरफ से ये जो प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं, तो चीन जिन क्षेत्रों को अपने लिए विवादित एक तरह से मानता है, यानी जिन क्षेत्रों को चीन को लगता है कि नहीं ये उसके नियंत्रण में होने चाहिए, भारत के नियंत्रण में नहीं होने चाहिए, तो उनको विवादित रूप में एक वैश्विक स्थिति है वहां पर ले जाना चाहता है। तो वैश्विक जो भी एक तरह से जनमत है आप उसको इसके लिए तैयार करते हैं, और इसके लिए आप कोशिश ये करते हैं कि जिन क्षेत्रों को आप विवादित बना रहे हैं उनके संदर्भ में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को एक तरह से आप पालन करें। जैसे सामान्य रूप में आप भारत के सभी नागरिकों को वीजा दे रहे हैं चीन में ट्रैवल करने के लिए, लेकिन जिन क्षेत्रों को मान लीजिए ए और बी क्षेत्र हैं आपने माना है कि विवादित हैं, तो आप उनको वीजा देने में कुछ अलग प्रक्रिया को अपना रहे हैं। तो आप वैश्विक एक जनमत को बता रहे हैं कि भाई ये क्षेत्र जिसके लिए हम स्टेपल्ड या अलग से नत्थी करके वीजा दे रहे हैं, मतलब हम इसको विवादित क्षेत्र मानते हैं। भारत सरकार इस स्थिति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता और भारत ने कठोरता से इसका विरोध भी दर्ज कराया है चीन के साथ में। और आप देखें ये घटना ऐसा नहीं कि पहली बार है, शुरुआती स्थिति में आप देखें 2008 में चीन की तरफ से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इस तरह की प्रक्रियाओं को शुरू किया गया था और उसे विवादित क्षेत्र के रूप में उन्होंने एक तरह से उसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया था और वहां पर स्टेपल्ड वीजा एक तरह से देने की प्रक्रियाएं शुरू की गई थी। और उसी के एक साल बाद आप देखें 2009 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के जो डोमिसाइल यानी अरुणाचल प्रदेश के डोमिसाइल के साथ में जो भारतीय नागरिक हैं अगर वो चीन की यात्रा कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक तरह से ये जो स्टेपल वीजा है वो एक तरह से चीन ने देना शुरू किया। और आप देखें इस तरह की घटना पहले नहीं है, इसके पहले भी हो चुकी है। 2016 में आप देखें भारतीय बैडमिंटन टीम के जो मैनेजर थे उनको इस तरह का वीजा देने की प्रक्रिया की गई थी, सामान्य वीजा नहीं दिया गया था। इसी साल आप देखें 2023 में जुलाई में जो वुशु खिलाड़ी जिनकी हम बात कर रहे हैं, नेमान वांगसू, ओनली तेगा और मेपेंग लंगू, तो अभी भी आप देखें जो यहाँ पर वुशु के तीन खिलाड़ी हैं फिर वही एक तरह से स्थिति है। तो चेंगदू यानी चीन में जो एक तरह से एक यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे थे यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, वहां पर ये तीन जो भारत के वुशु खिलाड़ी हैं उनके संदर्भ में इसी जुलाई 2023 में आप देखें चीन ने स्टेपल वीजा की प्रक्रिया को एक तरह से अपनाया था और उसके विरोध स्वरूप भारत ने इन यूनिवर्सिटी गेम्स में पूरी तरह से अपनी जो वुशु टीम है उसको नहीं भेजा कि उन्होंने वापस कर लिया क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया। और 2011 में इस तरह की घटनाएं, तो आप देखें इस तरह की घटनाएं पीछे के समय में लगातार होती रही हैं और ये चीन का एक कह सकते हैं एक हथकंडा है कि वो भारत के क्षेत्रों पर अपना एक तरह से एक नियंत्रण या अपना जो प्रभुत्व है उसे दिखाने का एक प्रयास करता है। और सीमावर्ती जो क्षेत्र वहां पर जिस तरह से विकास गतिविधियां या अन्य रूप में जो उसकी आक्रामक कार्रवाइयां रहती हैं उन्हीं कड़ी में आप देखें इस तरह का एक प्रयास है, वो चाहे हम गलवान घाटी का मुद्दा कह सकते हैं या अगर हम प्रमुख रूप से देखें कि जो भारत सिक्किम और एक तरह से अगर हम यहाँ पर भूटान की बात करते हैं, भारत का जो सिक्किम का क्षेत्र है साथ साथ भूटान और चीन, तो ट्राई जंक्शन का जो एरिया है, तो उन सब क्षेत्रों में भी एक तरह से जो चीन अपनी कार्रवाई को बढ़ा रहा है। तो चीन की ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन भारत ने लगातार कठोरता से विरोध किया है, तो स्टेपल वीजा जैसी जो स्थिति है उसको भारत बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहा है। तो उसमें एक ही बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है, वो आप ध्यान दें कि ये चीन के द्वारा एक विवादित क्षेत्र बनाने का प्रयास है जिसको भारत एक तरह से अपने अभिन्न अंग के रूप में वैश्विक समुदाय में दिखाता है और उसे स्वीकार कराने के लिए भारत ने लगातार प्रयास किए और वैश्विक जनमत ज्यादातर उसको स्वीकार करता भी है। ये चीन की आप कह सकते हैं एक तरह से एक प्रयास है कि ऐसी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो पाए। तो यहाँ पर आप देखें वीजा की प्रक्रिया एक तरह से भारत में किस तरह से, खासतौर से अलग अलग प्रकार के वीजा, तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख जो वीजा के प्रकार है उनकी चर्चा करी। जैसे अगर हम ट्रांजिट वीजा की बात करें तो ट्रांजिट वीजा का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके कनेक्टिंग जैसे फ्लाइट है तो आप केवल भारत से एक तरह से होकर जाने वाले हैं,
मतलब भारत में आपको लंबे समय तक किसी मान लीजिए पर्यटन के लिए, मेडिकल किसी कारण से, शिक्षा के लिए, या किसी कॉन्फ्रेंस में भाग लेना है, कोई रिसर्च करने के, कोई ऐसे बड़े उद्देश्य के लिए आप भारत में नहीं आ रहे हैं, तो ये वीजा ट्रांजिट वाला तभी आपका जारी किया जाता है। यानी भारत के माध्यम से आपकी जो यात्रा है एक वैलिड टिकट के माध्यम से हो रही है, उसके लिए आपको भारत में एक ट्रांजिट वीजा यहाँ पर दिया जाता है। और आप ध्यान रखें कि ये जो वीजा रहता है आप अंतिम रूप में जब भारत में पहुंचने वाले उससे पहले आपको एक तरह से यहाँ पर आवेदन करने की स्थिति में रहना पड़ता है। तो ट्रांजिट वीजा का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे यूएसए की बात करते हैं, आप यहाँ पर इंडिया में मान लीजिए आपकी फ्लाइट कुछ घंटे के लिए रुकी और यहाँ से होकर मान के चले, या कुछ मान लीजिए एक दिन के लिए मान लीजिए यहाँ का विश्राम है, या मान लेते हैं कुछ आपका 10-15 घंटे का स्टॉपेज है, उसके बाद मान लीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया एक तरह से जाना है, तो आप इंडिया में केवल क्या है यूएसए से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रुके हुए हैं, तो आपको एक तरह का ट्रांजिट वीजा यहाँ पर मिल सकता है। और आप ध्यान रखें अधिकतम 15 दिनों के लिए वैध सिंगल या डबल एंट्री वीजा उन आवेदकों को जारी किया जाता है जो भारत से होकर पारगमन करेंगे। तो ये 15 दिनों के संदर्भ में एक तरह से इसे वैलिड रखा जाता है। तो 15 दिन का मतलब ये है, कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई आपातकालीन स्थिति है, फ्लाइट को लेकर कनेक्टिंग फ्लाइट में कोई समस्या है, तो हो सकता है कि एक स्टे आपको यहाँ पर करना पड़े, तो वो ट्रांजिट वीजा आपका जो ट्रैवल यानी जो टिकट है उसके साथ ही एक तरह से कहीं ना कहीं वैलिड माना जाता है। यानी अगर आपका फ्लाइट टिकट वैलिड नहीं है तो ये जो ट्रांजिट वीजा है उसकी स्थिति भी एक तरह से वहीं पर अपने आप रद्द हो जाती है। एक और वीजा काफी पॉपुलर रहता है और अलग अलग देश देते हैं, भारत में भी देता है, भारत के द्वारा भी जारी किया जाता है, और ये टूरिस्ट वीजा। तो ये विदेशियों को एक तरह से भारत में आप देखें कि वो ना तो किसी तरह के निवास के लिए या किसी व्यवसाय के लिए, केवल भारत में आप देखें कि घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, अलग अलग जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल है वहां का दौरा करने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपको पर्यटक वीजा यहाँ पर मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गैर परिवर्तनीय और गैर विस्तार योग्य है, मतलब जितने समय के लिए दिया गया है वो आगे एक्सटेंड आप उसमें नहीं कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई कीजिए। और एक तरह से ये आपका नॉन ट्रांसफरेबल है, आप किसी और को नहीं दे सकते हैं, यानी आपके लिए इशू किया गया है तो आप सोचे उसके उस आधार पर किसी और का ट्रैवल संभव हो पाए, वो स्थिति एक तरह से यहाँ पर नहीं बनती है। और भारत में आप देखें कि जो भी एक तरह से अलग अलग प्रकार के यहाँ पर ट्रैवल होते हैं, अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म का कोई दीर्घकालिक आपका पर्यटक का यहाँ पर एक रूप में आने का प्रयास है, मान लीजिए आप 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए यहाँ पर किसी बड़े टूरिज्म के पैकेज में आ रहे हैं, तो वहां पर आप देखें कि इस तरह की यात्राओं के लिए जो वीजा होता है वो लॉन्ग टर्म में भी आपका टूरिस्ट वीजा दिया जाता है। तो ये अगला एक प्रकार रहता है। और जब भी इस तरह के लंबे वीजे यानी दीर्घकालिक वीजे होते हैं तो ये खासतौर से ट्रेवल एजेंट को जारी किए जाते हैं, क्योंकि वो भारत में ट्रैवल के संदर्भ में अलग अलग काम के लिए विजिट करते रहते हैं, तो उस तरह का दीर्घकालिक जो पर्यटक वीजा है वो ज्यादातर ट्रैवल एजेंट को एक तरह से इशू किया जाता है। और मैक्सिमम समय आप देखें 180 दिन से अधिक का नहीं हो सकता है लगातार रहने की जो स्थिति है, यानी अगर मान लीजिए पर्यटन वीजा आपको मिला हुआ है और 180 दिन से अधिक समय तक भारत में अगर आप लगातार रहने का प्रयास करते हैं तो आपको विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण जो कार्यालय है यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी जो FRRO का ऑफिस है वहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जो भी आपका टूरिज्म के लिए वीजा आपको दिया गया है अगर 180 दिन से ज्यादा की समय अवधि को आप बढ़ा रहे हैं उसे, तो आपको FRRO का जो कार्यालय है वहां पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान दें पर्यटन वीजा पर भारत की 2 यात्राओं या अफगानिस्तान, चीन, ईरान, पाकिस्तान, इराक के नागरिक, पाकिस्तान मूल के विदेशियों और स्टेटलेस व्यक्तियों के पुनः प्रवेश के बीच में 2 महीने का अंतर होना चाहिए। तो ये भी एक स्थिति है कि भारत की 2 यात्राएं आप जो कर रहे हैं एज ए टूरिस्ट के रूप में और ये देश आपके कुछ यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, अगर यहाँ से आप किसी भी तरह का ट्रेवल करते हैं, यानी मान लीजिए पाकिस्तानी मूल का नागरिक है वो भारत में एक बार उन्होंने ट्रैवल किया है, मान लीजिए कि इंग्लैंड की नागरिकता है लेकिन पाकिस्तानी मूल के हैं, भारत में आए हैं दोबारा मान लीजिए एज ए टूरिस्ट भारत में आना चाहते हैं, तो 2 महीने का एक जो गैप है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये काफी हद तक सुरक्षा कारण से माना जाता है। अगर हम एक्स वीजा की बात करें तो ये विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके लिए जारी किया जाता है, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप अगर बोलें तो उनके संदर्भ में एक तरह से ये स्थितियां रहती हैं। और ये देखिए एक तरह का जो टूरिज्म वीजा है वो उनके लिए नहीं जारी होता है, यानी भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए अमरीका में रह रहा है, वहां की नागरिकता है और वो भारत एज ए टूरिस्ट आना चाहता है, तो ये एक्स वीजा उसके लिए प्रमुख रूप से जारी होता है। बिजनेस वीजा नाम में छिपा हुआ किसी न किसी औद्योगिक कार्य के लिए प्रमुख रूप से ये जारी किया जाता है, और जिस व्यक्ति को आप इस तरह का बिजनेस एक वीजा जारी कर रहे हैं उनके लिए जो भी एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का वीजा जारी करने का इस तरह का कार्यालय है वहां पर उनका एक इंटरव्यू भी हो सकता है, तो वहां पर वो काउंसलर कार्यालय में जाएंगे तो उनका एक साक्षात्कार इंटरव्यू लेकर फिर एक तरह से जो बिजनेस वीजा है वो अंतिम रूप में दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें।
यहाँ पर आप ये भी देखें कि जो बिजनेस वीजा है इसी के साथ में स्पोर्ट्स वीजा का हिस्सा ही बनता है, अलग अलग खेल घटनाओं के संदर्भ में आप देखें। जैसे एशियाई खेल की बात करें, एशियाई खेल के संदर्भ में आप देखें कि यहाँ पर एक तरह से वीजा देने की जो प्रक्रिया है, जैसे अगर हम चीन के मामले को देखें तो चीन सरकार का कहना है कि हमने वीजा जारी किया है, लेकिन स्टेपल था तो भारत ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। लेकिन एशियाई खेल के लिए आप देखें कि एक तरह का जो प्रमाण पत्र यानी जो एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है, यानी यहाँ पर इस खेल में भाग लेने के लिए जो भी खिलाड़ी अलग अलग देश के हैं उनको एक तरह का प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भाई ये खिलाड़ी एशियाई खेल में भाग लेने आ रहे हैं। उस प्रमाण पत्र के आधार पर एक तरह से ट्रैवल करने की स्थितियां प्रमुख रूप से बनती हैं। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, एशियाई खेल में ये जो एक्रेडिटेशन है वो दिया जाता है या प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप एशियाई खेल में इस देश के रूप में, इस देश के प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे हैं, और आपको ये वीजा यहाँ पर अंतिम रूप में इस एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट के रूप में ही एक तरह से मान लिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम वुशु के खिलाड़ियों की जो बात कर रहे हैं वो डोमेसाइल उनका अरुणाचल प्रदेश का है, तो उस आधार पर चीन ने उन्हें जो वीजा दिया है वो स्टेपल था, तो वो एक तरह से स्थिति यहाँ पर विवादित बनी। तो ध्यान रखें, स्पोर्ट्स वीजा की कैटेगरी एक तरह से रहती है खेल घटनाओं के लिए, अलग अलग देश एक दूसरे के यहाँ ट्रैवल करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया टीम देखिए भारत में है तो उनके खिलाड़ियों को एक स्पोर्ट वीजा दिया जाता है, या वर्ल्ड कप होने वाला है तो उसके लिए एक तरह से आप देखें वीजा की स्थिति है, तो वो सब स्पोर्ट्स वीजा की कैटेगरी में रहते हैं। और कंडीशन थोड़ी सी लिबरल रहती हैं जो भी स्पोर्ट वीजा में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि पहले आपको पता होता है कौन कौन आने वाला है, कोई भी खिलाड़ी है तो उसके बारे में जो बेसिक बड़ी सूचनाएं हैं वो सभी के पास सामने रहती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए इस तरह के जो वीज़ा होते हैं उनमें कंडीशन थोड़ी सी लिबरल मानी जाती हैं। तो जैसे मैंने बिजनेस वीज़ा की बात करी, इसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, यानी भारत में किसी कंपनी, संगठन या किसी भी आर्थिक उपक्रम में आप किसी भी रूप में काम करने वाले हैं तो आपको इस तरह के वीज़ा की एक तरह से आवश्यकता रहती है। छात्र वीज़ा आप देखें, तो छात्र वीज़ा भी आप देखें, भारत में अगर आप किसी भी तरह से किसी नियमित एक पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम में भारत में आप भाग लेने वाले हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप देखें, तो इसका उद्देश्य क्या है कि नियमित और पूर्णकालिक शैक्षणिक अध्ययन करना और किसी अन्य उद्देश्य गतिविधि में नहीं। तो ये जो आपका छात्र वीज़ा है वो ये बता रहा है कि आप एजुकेशन के पर्पज से आ रहे हैं और इंडिया में आपको इसीलिए वीज़ा दिया गया है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी व्यापारिक गतिविधि में, किसी अवैध गतिविधि में संलिप्त हो जाएं, अवैध में तो हमेशा ही आपको एक तरह से कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अगर शिक्षा के अलावा किसी भी अन्य प्रकार के कार्य में आप लिप्त पाए जाते हैं तो ये वीज़ा उन शर्तों के अलावा, उन शर्तों में एक तरह से शामिल नहीं करता है उसे, तो आप पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। और वीज़ा के लिए आप देखें, ये जो पाठ्यक्रम की अवधि है वो दी गई है और 5 साल, यानी मान लीजिए अगर कोई कोर्स है उस कोर्स में 3 साल का समय है कि 3 साल का ये कोर्स है, और मान लीजिए कि नाइजीरिया का कोई नागरिक है वो भारत में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है तो 3 साल का कोर्स है, सरकार ने यहाँ मैक्सिमम समय कितना दिया है 5 साल का, तो 3 साल का कोर्स है उसके लिए वीज़ा मिल जाएगा। मान लीजिए कि भारत में कोई कोर्स 6 साल का है, अब वीज़ा कितना मिलेगा 5, तो 5 और 6 में यहाँ पर कम कौन सा है 5 साल, तो यही आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये ध्यान रखें, 5 साल से कम का अगर कोर्स है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर 5 साल या उससे ऊपर जाता है कोर्स, मान लीजिए कि कोई 5 साल में कोर्स पास नहीं कर पाता है, ठीक है, 6वें साल में या 7वें में जा रहा है, तो ये वीज़ा आपका फिर एक्सटेंड वहाँ पर नहीं होता, फिर उसके लिए अलग कंडीशंस कुछ हो सकती हैं। तो वन टाइम में किसी भी पाठ्यक्रम की जो अवधि होती है जितने में आपका कोर्स चल रहा होता है वो, या एक तरह से जो 5 साल का समय है, दोनों में से जो कम समय होगा उस अवधि के लिए आपको एक छात्र वीज़ा जारी किया जाएगा। इसी तरीके से आप देखें, अनुसंधान वीज़ा, सम्मेलन में भाग लेने के लिए वीज़ा, पत्रकार वीज़ा, ये सब अलग अलग प्रकार के वीज़ा भारत में जारी होते हैं। एक और वीज़ा होता है इंटर्नशिप के संदर्भ में, जैसे मान लीजिए कि कोई अफ्रीकी देश का नागरिक है और भारत में किसी कंपनी, मान लीजिए उसने अफ्रीका में बीटेक किया हुआ है और भारत की किसी कंपनी में, मान लीजिए कि मान लेते हैं टाटा स्टील में आके वो कुछ 1 महीना 2 महीने के लिए इंटर्नशिप करना चाहता है, तो इंटर्नशिप करने के लिए इस तरह का वीज़ा भी जारी होता है और इसकी अवधि 1 वर्ष, यानी जो इंटर्नशिप का समय है या मैक्सिमम 1 वर्ष उसके लिए सीमित होती है। यदि मान लीजिए कि इंटर्नशिप का समय 11 महीने है तो अगर 11 एक तरह से मंथ के लिए इंटर्नशिप का समय है तो आपको इसका वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन आप ये सोचें कि 1.5 साल के लिए है तो नहीं मिलेगा। तो जो इंटर्नशिप का समय है उतने समय के लिए या मैक्सिमम 1 साल, 1 साल से नीचे रहना चाहिए या 1 साल, वो आपको इंटर्नशिप का वीज़ा मिल सकता है। ये भी आप ध्यान दीजिए, यदि इंटर्नशिप किसी कंपनी में है तो इंटर्नशिप के लिए प्रायोजित विदेशी नागरिक को प्रतिवर्ष न्यूनतम 7.8 लाख रुपए का एक, आप कह सकते हैं कि स्टाइपेंड या जो पारिश्रमिक, या आप कह सकते हैं सैलरी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि परमानेंट जॉब नहीं है, तो आप स्टाइपेंड कह सकते हैं या पारिश्रमिक कह दीजिए, वो न्यूनतम रूप में मिलना ही चाहिए।
लेकिन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय में मान लीजिए इंटर्नशिप करने आया है, या मान लीजिए इसरो के अंडर में करने आया है, कोई वैज्ञानिक संस्थान है एक तरह का, तो किसी अनुसंधान संस्थान में या किसी एनजीओ में कोई इंटर्नशिप करने के लिए विदेश से भारत में आया हुआ है, तो उसको जो यहाँ पर जारी किया जाएगा इंटर्नशिप वीजा, वहां पर वेतन या कोई भी आपको जो पारिश्रमिक मिलना है उसको लेकर कोई न्यूनतम सीमा नहीं है। तो अंतर है। अगर आप एक कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में आने वाले हैं एज ए इंटर्नशिप करने के लिए, तो वहां पर आपको कुछ स्टाइपेंड तो दिया जाएगा, तो वो कम से कम 7.8 यानी 7,80,000 रुपए भारतीय मुद्रा में होना चाहिए। अब जिस देश से आ रहे हैं आप उस देश की मुद्रा में परिवर्तित करके देख लीजिए उसे। तो ये शर्त इंपॉर्टेंट है, जरा आप ध्यान दीजिएगा। इंटर्नशिप के लिए प्राप्त वीजा विदेशी नागरिकों के आगमन के 14 दिनों के भीतर जो भी आसपास का यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या एफआरओ यानी जो एक तरह से कार्यालय यानी एफआरओ या एफआरओ का जो कार्यालय होता है वहां पर पंजीकरण करना आपका आवश्यक है। यदि लगातार प्रयास 80 दिनों से 180 दिन से अधिक है, ये पीछे की सीमा है, अगर आपका 180 दिन से प्लस जा रहा है टाइम, 180 दिन से ऊपर जाने का मतलब है सीधा है कहीं ना कहीं आप 6 माह से ज्यादा का समय निकाल रहे हैं, और जैसे ही 6 माह से ऊपर का समय होगा आपको आसपास के एफआरओ कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या वहां पर एक तरह से अपने आप को पंजीकृत आप करा लीजिए। तो लंबी समयावधि के लिए ये स्थिति आपको देखनी। फिल्म वीजा भी बड़े पैमाने पर जारी होता है भारत में। आप देखें अब धीरे धीरे बहुत सारे जो स्थल हैं वो मूवीज़ की शूटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो हॉलीवुड की बहुत सारी जो मूवीज़ हैं उनकी अगर आप शूटिंग देखें तो भारत के काफ़ी क्षेत्रों में होती हैं, तो उस तरह का जो वीज़ा होता है वहाँ पर भी आप देखें कि 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रमुख रूप से जारी किया जाता है, और यहाँ पर भी वही शर्त है क्योंकि 6 महीने से ऊपर का समय है आपको एफआरओ में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखें कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउस है उसको वीज़ा दिया जा रहा है या उनके पूरे क्रू को दिया जा रहा है, तो ये एक तरह से आप देखें कि इतने बड़े पैमाने की इसके लिए भारत में बड़े क्रू की उपस्थिति आवश्यकता है, और यहाँ पर यह माना जाता है कि ये अधिकतम संख्या 125 यहाँ पर रखी गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रोडक्शन हाउस है वो अगर कोई क्रू लेकर आता है तो 125 आप कह सकते हैं क्रू मेंबर के साथ में शूटिंग करने की जो स्थितियाँ हैं उसकी अनुमति यहाँ पर मैक्सिमम रूप में दी जाती है। तो फिल्म वीजा की स्थितियाँ भी हैं। प्रवेश वीजा यानी एंट्री, अगर हम यहाँ पर वीजा की बात करें, देखिए एंट्री वीजा और एक तरह से जो ट्रांजिट वीजा है उसमें थोड़ा सा अंतर है। ट्रांजिट का मतलब ये है कि आप भारत में किसी कार्य के लिए नहीं आए हैं, आप केवल अपने रास्ते में भारत पड़ रहा है तो वहां पर रुक रहे हैं फिर आगे जाएंगे, तो वो ट्रांजिट वीजा है। लेकिन यहाँ पर कोई व्यावसायिक कार्य, बैठक, अध्ययन के लिए या लंबे समय यानी शिक्षा, रोजगार, पत्रकारिता, इन सब का एक तरह से बात अगर हम करें तो उसके संदर्भ में यहाँ पर माना जाता है कि प्रमुख रूप से जो प्रवेश वीजा है वो दिया जाता है। यानी अगर शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पत्रकारिता के लिए, किसी वाणिज्यिक काम के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने अभी पीछे चर्चा किया इनके लिए तो आपको अलग से वीजा दिया जाता है, आप उसको ले लीजिए। तो अगर आप पत्रकार के रूप में या शिक्षा के लिए या वाणिज्यिक काम के लिए अगर आप नहीं आ रहे हैं तो, और किसी भी मान लीजिए व्यावसायिक बैठक या किसी अध्ययन के लिए 1 या 2 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं या हफ्ते भर के लिए, मान लीजिए बहुत सारे इस तरह का अनुसंधान होता है कि कई वैज्ञानिक भारत में आ रहे हैं किसी मान लीजिए कोई सेमिनार हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए, तो उनको इस तरह का प्रवेश वीजा या एंट्री वीजा एक तरह से जारी किया जाता है। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर है, जो ट्रांजिट और एंट्री वीजा वो जरा ध्यान दीजिए। व्यापारिक काम के लिए आएंगे तो आप व्यापारिक वीजा लीजिए, एज ए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला लीजिए, एज ए जर्नलिस्ट आ रहे हैं तो वाला वीजा लीजिए, अलग कैटेगरी बनी हुई है आप वहां पर अप्लाई करके उसके लिए एक तरह से काम करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगर आप वीजे का प्रकार देखें तो ये एक वीजा ऑन अराइवल, इसको हम भारत में ई वीजा की सुविधा कहते हैं, ई सेवा एक तरह से। तो ये जो ई वीजा है ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको एक तरह से मिलता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 180 से ज्यादा देशों के साथ में हम ये सुविधा देते हैं, तो मान लीजिए अगर जैसे जापान का नागरिक, कोई भी देश का, अमरीका का नागरिक है, वो मान लीजिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, वहां पर पहुंचे तो वो मान लीजिए टूरिस्ट के रूप में आ रहे हैं, तो अगर वो वहां पहुंचे हैं तो वहां पहुंचकर वो इलेक्ट्रॉनिक जो वीजा का पार्ट है वो ऑन अराइवल एक तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वीजा ऑन अराइवल। वैसे सामान्य तौर पर ये रहता है कि इस तरह के वीजा की जो प्रक्रिया होती है उसके संदर्भ में आप देखें प्रक्रिया आपको बहुत पहले से करनी पड़ती है। तो ये बात ध्यान रखें कि ये मतलब नहीं है कि आप मान लीजिए यूएसए से भारत में आने वाले हैं, यानी आप यूएसए से भारत में ट्रेवल करने वाले हैं और मान लीजिए कि आपकी फ्लाइट कल की थी, आज आप पहुंचे इंटरनेशनल जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली, और यहाँ पर आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाए, लेकिन आपने इसकी पूर्व सूचना या इसके बारे में कुछ काम तो किया नहीं है, तो वीजा आपको पहले जारी नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह का वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की जो प्रक्रिया है वो मैक्सिमम आप 120 दिन पहले शुरू कर सकते हैं।
अब देखिए, कोई अचानक, कोई मान लीजिए भारतीय है, वो अपने परिवार से मिलने के लिए अमेरिका आना चाहता है, मान लीजिए 2-4 दिन का नोटिस है, तो 2-4 दिन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आ सकता है। लेकिन अगर आपका प्लान पहले से है तो 120 दिन पहले आप इस तरह के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपको ये वीजा एक तरह से इशू हो जाता है। तो यहां पर आप देखें कि किस तरीके से आपको ये भारतीय ई वीजा मिलेगा। देखिए, आपकी यात्रा का उद्देश्य काम या रोजगार नहीं बल्कि कुछ और है। और क्या क्या है? जैसे पर्यटन है, मतलब आप भारत में काम या रोजगार के संदर्भ में नहीं आ रहे हैं, आप पर्यटन के रूप में आ रहे हैं, किसी व्यवसाय के संदर्भ में, चिकित्सा उपचार के लिए, तो व्यवसाय संबंधी मतलब हो सकता है किसी कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी इस तरह की स्थिति में भाग लेने के लिए, या मेडिकल मान लीजिए कोई कंडीशन है, इलाज कराने के लिए। आप देखिए, मेडिकल टूरिज्म भारत में लंबे बड़े पैमाने पर सक्रिय है, बहुत सारे देशों से जो मरीज भारत में आते हैं, सस्ता और बहुत बेहतर इलाज भारत में संभव है। तो अगर आप इस तरह के चिकित्सा उपचार के लिए भारत में पहुंच रहे हैं तो आपको इस तरह का जो ई वीजा है वो जारी किया जाएगा, और 180 प्लस देशों के साथ में ये प्रक्रियाएं एक तरह से की जाती हैं। और आप देखिए, एक समय में 180 दिन से अधिक का ये नहीं जारी होता है, वैसे आप ध्यान रखें ये जारी होता है 60 दिन के लिए। लेकिन मान लीजिए, जैसे अगर हम चिकित्सा की बात करें, खासतौर से इसी संदर्भ में कहा जाता है कि जो मेडिकल वाला एक तरह से ई वीजा होता है, मान लीजिए मेडिकल कंडीशन पे आपने वीजा ऑन अराइवल प्राप्त किया है, तो वो तो आपको शुरुआती 60 दिन का मिला है, मान लीजिए डॉक्टर यहाँ पर कहते नहीं और आपको स्टे करना है, तो ये एक्सटेंड करके आपका 180 दिन तक लाया जा सकता है। तो शुरुआती 60 है लेकिन इसको 180 तक किया जा सकता है। इसी तरीके से आप ध्यान रखें कि ये जो आपका वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है, ये भारत के अलग अलग जो 28 हवाई अड्डे हैं वहाँ पर इसकी सुविधा दी गई है। यानी भारत के 28 हवाई अड्डे जहाँ पर इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय अन्य प्रकार की उड़ानें सक्रिय रूप में हैं, उन्हीं हवाई अड्डों पर इस तरह का वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। जहां तक बंदरगाह की बात करें, केवल 5 बंदरगाह हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का एक प्रोविंस में स्टेटमेंट हो सकता है कि भारत में वीजा ऑन अराइवल सभी देशों के लिए दिया जाता है या सभी बंदरगाहों के लिए दिया जाता है, ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है। तो ध्यान रखें, सभी बंदरगाहों के लिए जो आपका एक तरह का वीजा ऑन अराइवल है वो नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी क्रूज शिप के माध्यम से आप भारत में पहुंचते हैं, तो यहां पर आप ध्यान रखें कि मुंबई, इसी के साथ में मनगांव, न्यू मैंगलोर, कोचीन, ये तो हमारे पश्चिमी एक तरह से तटीय भाग पर हो गए, और एक चेन्नई का जो हमारा पूर्वी तटीय भाग है। तो ये 5 एक तरह से आप देखें यहां पर बंदरगाह हैं, जो हमारे सी पोर्ट हैं, जहां पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा एक तरह से दी जाती है। इन 5 के अलावा किसी भी बंदरगाह पर यह सुविधा नहीं है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति क्रूज शिप से मान लीजिए एक तरह से कोलकाता बंदरगाह पहुंचता है, या मान लीजिए कांदला पहुंचता है, तो उसको वीजा ऑन अराइवल की सुविधा वहां नहीं मिलेगी। तो उसके बाद वीजा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो इंटीमेशन या उसने कुछ फॉर्म फिल किया और जाकर वहां उसको वीजा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इन 5 बंदरगाहों पर मिलेगा। लेकिन अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो ये 28 हवाई अड्डे हैं भारत में जहां पर ये सुविधा एक तरह से आपको दी जाती है। तो वीजा को लेकर ये जो चीन का एक कह सकते हैं विवाद खड़ा किया गया, उसी संदर्भ में हमने अलग अलग जो वीजा के प्रकार हैं उनकी चर्चा करी। ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं और आप मान के चलिए 70-80% हमने यहाँ पर लगभग कवर किया है, तो मैक्सिमम आपको इसके बारे में जानकारी एक तरह से होनी चाहिए। इस आधार पर एक मुख्य परीक्षा का आगे प्रश्न रहेगा, वो भी आप लोगों को ध्यान से लिखने की जरूरत है। चलिए दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं, और फिर से हम पश्चिम एशिया में एक तरह से पहुंच चुके हैं। बहुत बार इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जब से G20 का सम्मेलन हुआ है शायद ये दूसरी तीसरी बार होगा जब हम महत्वपूर्ण रूप में पश्चिम एशिया को एक तरह से चर्चा के केंद्र में लेकर आ रहे हैं। तो पश्चिम एशिया में आप ध्यान दीजिए कि इतनी चर्चा हो क्यों रही है। देखिए, पश्चिम एशिया बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्षेत्र बन जाता है, आप इसे मिडिल ईस्ट भी एक तरह से बोल देते हैं, मध्य पूर्व भी कह दिया जाता है। आप देखिए, मध्य पूर्व कहने का मतलब क्या रहता है, एशिया का तो यह पश्चिमी भाग है, तो इसमें तो किसी तरह की कोई, आप देखें मैप अगर आप देखें तो एशिया का पश्चिमी भाग है, तो इसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल ईस्ट, ये मध्य पूर्व कहाँ से आएगा? तो देखिए, पश्चिमी देश ये जो भारत या सारे भाग है इनको पूर्व मांगता है, ये आप ईस्ट और वेस्ट बोलते हैं ना कि पश्चिमी देश, तो ये जो भाग है ये ईस्ट एक तरह से है और ये एक तरह से वेस्ट है। आप ऐसे पूर्वी पश्चिमी एक तरह से, आप अगर हम यहाँ पर एक लंबत यानी अगर हम मान के चलिए लॉन्गिट्यूड ले लें, उस आधार पर एक विभाजन भी कह सकते हैं पूर्वी और पश्चिमी। तो ये जो पूर्वी भाग है उसका बिल्कुल मिडिल ये बन जाता है, मध्य में है, पूरब का जो हिस्सा उसका मध्य मान लेते हैं। अगर हम यूरोप के यहाँ से बिंदु से लें तो यूरोप से अगर हम यहाँ पर देखें तो पूर्व का मध्य है, तो इस तरह से एक मिडिल ईस्ट टर्म यहाँ पर एक तरह से उपयोग कर लिया जाता है, वो भी एक संदर्भ है। तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही एक तरह संदर्भ है, मिडिल ईस्ट की बात करें या अगर हम बात करते हैं पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया।
तो पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट को लेकर जो एक तरह से स्थिति लगातार चर्चा में बनी हुई है, उसका कारण ये है कि आप देखें जो कच्चे तेल है उसके संदर्भ में इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व के जो बड़े भंडार है वो यहीं पर है, सऊदी अरब है, अगर हम कतर की बात करें या यूएई का हिस्सा है, यूएई से जो ट्रेडिंग होती है, ईरान की बात करें, तो ये जो पूरा हिस्सा है वो बड़े पैमाने पर कच्चे तेल यानी अगर हम ईंधन के साधनों की बात करें उनके लिए बिल्कुल एक हॉटस्पॉट है। तो इस क्षेत्र की एक तरह से ऊर्जा जो आवश्यकता है वैश्विक है वो यहाँ से पूरी होती है। तो प्रारंभिक स्थितियों में आप देखें दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसए का एक प्रयास हमेशा रहा है कि वो पश्चिम एशिया पर नियंत्रण रखें, ये यहाँ पर अपने आप को मजबूत रखें। और अगर पश्चिम एशिया में अमेरिका मजबूत है तो उसकी जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनको लेकर स्थितियां हमेशा सुरक्षित रहती हैं। और इसी कड़ी में आप देखें सऊदी अरब के साथ में अमेरिका ने एक बेहतर संबंधों की जो स्थिति है उसको बनाकर रखा। और आप देखें कि ईरान, अगर हम वर्तमान ईरान को छोड़ दें, तो प्रारंभिक स्थितियों में ईरान में भी आप देखें अमेरिका का ही समर्थन जैसी स्थिति थी, लेकिन ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई आयतुल्ला खमेनी के नेतृत्व में, तो ये जो एक तरह से इस्लामिक क्रांति हुई उसके बाद ईरान आप देखें बिल्कुल धुर विरोधी हो गया अमेरिका का, और मध्य पूर्व में स्थितियां थोड़ी सी अमेरिका के लिए वहां पर नाजुक हुई। लेकिन अभी भी सऊदी अरब, क्योंकि आप देखें जो पूरा एक तरह से मिडिल ईस्ट का भाग है उसको आप दो धड़ों में बांट सकते हैं, एक हिस्सा तो सऊदी अरब बहुत बड़े पैमाने पर कंट्रोल करता है, एक हिस्सा ईरान, और इसका थोड़ा सा अगर आप देखें सिया कंट्री और या कह सकते हैं कि जो सुन्नी देश है उनका भी एक विभाजन है। तो ईरान की अगर हम बात करें तो शिया सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है, अगर हम सिया आबादी के अलग अलग देशों की बात करें सबसे महत्वपूर्ण पावर है ईरान, और ईरान सऊदी अरब का एक तरह से जो विरोध है वो जग जाहिर है। तो ये जो आपस में एक टकराहट, जो एक आपस में टक्कर है, इसी का अमेरिका लाभ उठाता है और सऊदी अरब के साथ में उसने पूरा जो अरब वर्ल्ड है उस पर अपना नियंत्रण बनाकर रखा और वहां पर उसके हित एक तरह से सधे रहे, उसे समस्याएं ज्यादा नहीं हुई। एक ही यहाँ पर सबसे बड़ा कह सकते हैं मुद्दा हमेशा रहता है और वो है फिलिस्तीन का मुद्दा, क्योंकि फिलिस्तीन का जो विवाद है वो किसके साथ चल रहा है, इसराइल के साथ में, और इसराइल अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देशों में है। तो आप देखिए मध्य पूर्व एशिया के समय में मध्य पूर्व में इस तरह से स्थितियां बनाकर रखी गई कि इसराइल की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर ना हो और अरब देशों में समस्याएं भी ज्यादा ना हो, क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर आप कह सकते हैं ये ट्रिगर पॉइंट है जिसको लेकर हमेशा अरब जो देश है इसराइल का विरोध करते हैं। लेकिन आज की स्थिति आप देखें काफी हद तक बदल गई है। तो यहां पर अगर आप देखें ये आर्टिकल स्टैनले जॉनी की तरफ से लिखा गया हुआ है, और अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन के अलग अलग आर्टिकल्स की बात करें तो इनके आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इस आर्टिकल में इन्होंने स्पष्ट रूप से यह बात कही है कि पश्चिम एशिया को लेकर अब बिल्कुल नवीन स्थितियां हैं, आप पहले वाला पश्चिम एशिया इसे ना समझें। तो पश्चिम एशिया अपने लाभ को लेकर एक तरह से काफी मुखर हो रहा है, अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका के प्रभाव की जो स्थितियां हैं वो फिर से यहां पर उतनी मजबूत हो रही हैं, क्योंकि जितने भी देश हैं चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो या हम ईरान को भी शामिल करने, वो अपने अपने हितों को देखकर एक तरह से अब काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर एक तरह से आलेख में भारत के लिए भी जो स्थितियां हैं वो क्या हो सकती हैं और भारत को क्या सावधानी बरतनी है वो बात भी इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बोली गई है। तो देखिए जरा, तो आर्टिकल में एक बात ये कही गई कि अमेरिका की जो नीति है वर्तमान समय में आप देखें खासतौर से 2020 के बाद, और 2020 के बाद मतलब जब से एक तरह से अब्राहम अकॉर्ड यानी अब्राहम समझौता किया गया, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, आप जानते ही हैं कि यूएई बहरीन साथ साथ थे, बाद में से मोरक्को भी एक तरह से शामिल हुआ, सूडान अन्य देशों की स्थितियां भी धीरे धीरे बनती गई। तो ये जो अब्राहम अकॉर्ड था जो डोनाल्ड ट्रंप के समय साइन किया गया, आप ध्यान रखें डोनाल्ड ट्रंप का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, अलग बात है कि वो राष्ट्रपति चुनाव नहीं जीत पाए इतना सब करने के बाद भी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी कह सकते हैं शुरुआत करी अब्राहम अकॉर्ड में जिसमें इसराइल, यूएई और एक तरह से बहरीन साथ में आ गए। तो अरब देशों के साथ इसराइल का जो गठजोड़ है या जो समझौता है या शांति की स्थिति है वो बन पाई, क्योंकि इसके पहले केवल दो ही देश थे, जॉर्डन और अगर हम बात करते हैं इजिप्ट या मिस्र, इन दोनों के साथ में अरब देशों में संबंध इसराइल के थे और किसी के साथ नहीं थे। अब यूएई, बहरीन, मोरक्को ये सब शामिल हो रहे हैं। तो ये इसराइल की जो एक स्वीकारोक्ति है वो मध्य पूर्व एशिया में बनाने का प्रयास है। तो आप देखें कि ये जो स्थिति है वो डोनाल्ड ट्रंप के समय में ही शुरू हो गई थी, जब यहाँ पर एक तरह से सऊदी अरब इसराइल को एक मजबूत स्थिति में लाने का प्रयास किया गया कि भाई इनको एक तरह से साथ लाने की प्रक्रियाएं बढ़ाई जाए। क्यों? क्योंकि अरब इसराइल के जो संबंध है वो अब्राहम अकॉर्ड से, अब्राहम समझौते से मजबूती की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यूएई, बहरीन जैसे जो देश हैं वो इसराइल के साथ शांति स्थिति में जा रहे हैं और व्यापारिक स्थितियां शुरू हो रही हैं। तो अब एक तरह से अगला जो पड़ाव है वो इसराइल और सऊदी अरब को लेकर है,
और बिडेन इसी को लेकर एक तरह से काम कर रहे हैं। तो अमेरिका की मिडिल ईस्ट में जो पॉलिसी है उसमें अब सऊदी अरब इसराइल को आपस में एक तरह से एग्री करके लाना है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि सऊदी अरब अगर मजबूत यहां पर होगा तो ईरान को काउंटर करने में अमेरिका के लिए एक तरह से आसानी की स्थिति है, क्योंकि ईरान अभी भी न्यूक्लियर वेपन को लेकर अपनी जो पॉलिसी है उसमें बहुत कुछ स्टेबल नहीं है। और इस मिडिल ईस्ट के भाग में आप देखें, इसराइल एक तरह से एक, अगर हम देखें तो निश्चित रूप में तो नहीं, लेकिन अगर आप देखें जैसे भारत के पास परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास है, इसराइल के पास भी है, तो ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट में अमेरिका ये नहीं चाहता है कि एक अगली नाभिकीय शक्ति के रूप में ईरान उभरे, और उस स्थिति के लिए वो सऊदी अरब के साथ समझौते की स्थितियां करके उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और सऊदी अरब इस बात को समझता भी है कि ईरान के प्रभाव को हमें कहीं ना कहीं रोक कर रखना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ईरान सबसे बड़ी शिया कंट्री है वहां पर, यहां पर क्या वैश्विक स्तर पर आप बात करें तो उसका जो प्रभाव है वो इराक में भी है, उसका प्रभाव लेबनान में भी है। तो ईरान ऐसा नहीं है कि एक ऐसी शक्ति नहीं है कि जो छोटा मोटा प्रभाव रखती है। तो ये अच्छे से ध्यान रखें कि ईरान को लेकर सभी इसीलिए हमेशा आशंका में रहते हैं कि लेबनान, इराक, साथ साथ सीरिया, इन सब जगह बहुत ज्यादा ये प्रभाव रखते हैं। आप देखें लेबनान में जो हिजबुल्ला संगठन है वो ईरान की मदद से ही हमेशा सक्रिय रहा है। तो ये सब स्थिति दिखाती है कि ईरान एक मजबूत अभी भी शक्ति के रूप में वहां पर है। काउंटर करने का तरीका ये है कि इसराइल को सऊदी अरब के साथ जोड़ा जाए, तो इसराइल के लिए ईरान को कंट्रोल करना मध्य पूर्व एशिया में काफी हद तक आसान होगा, क्योंकि अगर सऊदी अरब ईरान मिले, और ये चीन का प्रयास है, तो ये ध्यान रखें कि अमरीका सऊदी अरब इसराइल को साथ में लाने के लिए प्रयास क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं चीन यहां पर अपनी स्थिति को एक तरह से मजबूत करने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आप ध्यान दें पिछले 10-15 साल में, या खास तौर से अगर हम पिछले 20 साल, अगर हम बराक ओबामा के समय की बात करते हैं, हम ओबामा का समय ही ले लेते हैं, ओबामा का एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट था। उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट ये दिया था कि वैश्विक विकास की धुरी है वो पूर्व की ओर चली गई है, यानी उनका यह कहना था कि जो वैश्विक एक कह सकते हैं राजनीतिक स्थिति गई है, भू राजनीति गई है, उसका जो पायबॉट है, जो धुरी है, वो पूर्व में है। तो अमेरिका कहीं ना कहीं चीन को कंटेन करने की, जो चीन को नियंत्रित करने को लेकर ज्यादा सक्रिय रहा, और उसमें काफी हद तक रूस तो हमेशा रहता ही रहता है। तो रूस अमेरिका विरोधी तो है ही है, लेकिन अब चीन का जो उभार है, अब इन दो दो देशों को नियंत्रित करने में यूएसए अपनी ज्यादा शक्ति खर्च कर रहा था पिछले 15-20 साल में। आप देखें खासतौर से 9/11 के बाद तो और ज्यादा तेज हुआ। तो जब से पुतिन मजबूत हुए हैं या जिनपिंग ने स्थिति को चीन में मजबूत किया है, अमेरिका इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए ज्यादा प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में ये जो पश्चिम एशिया है, यहां पर आप देखें एक तरह का गैप, या कह सकते हैं खालीपन या वैक्यूम आ गया, क्योंकि अमरीका उतना यहां ध्यान दे नहीं रहा था, और इसी वैक्यूम को चीन ने भरने का प्रयास किया आर्थिक रूप में। आप देखें मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों के साथ तो बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में काम करता है। और सऊदी अरब और ईरान, आप देखिए इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, सऊदी अरब और ईरान को साथ में लाकर चीन एक तरह से समझौते की स्थितियां बना रहा है, नेगोशिएशंस करा रहा है। तो ये अमेरिका के लिए बिल्कुल ही कह सकते हैं बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि अगर ऐसा हुआ तो चीन मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी भूमिका में आ जाएगा, और ये अमेरिका नहीं चाहता है। तो यहां पर नीति प्रमुख रूप से ये है कि एक तरह से सऊदी अरब को इसराइल के साथ जोड़ा जाए, जिससे कि इसराइल अगर मजबूत है तो सऊदी अरब को भी रक्षा रूप में एक मजबूती रहेगी ईरान को काउंटर करने में, क्योंकि फिर पुराना वो नियम है, अगर मेरा कोई दुश्मन है आपका भी दुश्मन है तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और सऊदी अरब इसराइल के लिए यही है कि इनका कॉमन एक एनिमी कौन हो सकता है मिडिल ईस्ट में, ईरान। तो दोनों को अमरीका पास ला रहा है और दोनों के साथ अमरीका के संबंध अच्छे हैं, तो सभी के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है। और इसी को लेकर यहां पर बिडेन, अब ट्रंप का जो काम था, तो एक तरह से बिडेन को कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहिए कि इस अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से उन्होंने बिडेन की विदेश नीति का एक मजबूत आधार दे दिया था, तो इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। शायद दिया नहीं जाता, लेकिन उनको इसके लिए धन्यवाद मिलना चाहिए। अब दूसरा हिस्सा देते हैं, यहाँ पर दूसरा उनका दृष्टिकोण क्या है अमरीका का मिडिल ईस्ट में पॉलिसी को लेकर। देखिए अमरीका का ये भी मानना है कि जो चीन है वो लगातार अपनी स्थिति को एक तरह से यहाँ पर मजबूत कर रहा है। तो अगर चीन अपने आप को मिडिल ईस्ट में मजबूत कर रहा है, तो एक तरीका और क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि जो अमेरिका के एक तरह से सहयोगी हैं, जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, जैसे अगर हम भारत की बात करें तो अमेरिका के सहयोगी देशों में शायद सबसे रिलायबल भारत ही हो सकता है, क्योंकि अपनी नीतियों को लेकर हम काफी दृढ़ रहते हैं, हम अपने जो भी कह सकते हैं मुद्दे हैं या अपनी जो भी नीतियां हैं वो जल्दी जल्दी ही बदलते हैं। तो भारत एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है अमेरिका के लिए, इसीलिए अमेरिका अपने मित्र और सहयोगियों पर पश्चिम एशिया की जो स्थिति है उसके लिए निर्भर एक तरह से कर रहा है, या उन पर काफी हद तक दाव खेल रहा है।
क्योंकि पश्चिम एशिया में देशों को ये नहीं लगना चाहिए कि अमेरिका बाहर निकल गया है। और आप देखें G20 में ये जो अभी सम्मेलन किया गया, G20 में जो हस्ताक्षर किया गया, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, तो ये जो एक आर्थिक गलियारे की बात की गई भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने की, ये अमेरिका का एक प्रयास है। तो अमेरिका ये चाह रहा है कि हमारे जो मित्र देश हैं यानी भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ये सब इसमें भागीदारी करेंगे, क्योंकि भारत का जो पश्चिमी तटीय भाग है उसको एक तरह से मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ा जा रहा है, तो चाइना का जो प्रभाव है उसको काउंटर करने का एक तरीका है। तो अमेरिका एक संदेश दे रहा है अपने सहयोगियों को कि भाई ऐसा है, ऐसा ये नहीं है कि हम बिग बॉस तो थे, हम वहां से थोड़ा कम हुए तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि हट गए यहां से, ये देखिए एक एग्रीमेंट हमने कर दिया है। और आप देखें ये जो समझौता हुआ था इस कॉरिडोर को लेकर, तुरंत चीन की तरफ से बयान आया कि भाई अमेरिका ये तो बहुत कहता रहता है कि हम ये कर देंगे, ये आर्थिक गलियारा बना देंगे, उसका लाभ कुछ नहीं होता है। तो ये चीन की बेचैनी को कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई भारत इसमें शामिल है, मिडिल ईस्ट यूरोप से जुड़ रहा है, भारत के पश्चिमी भाग से जुड़ा हो रहा है, तो पूरी तरह से हमने चाइना या उनके जो पूरा तंत्र है उसको एक तरह से यहाँ पर बैकआउट कर दिया है। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो एक तरह से हिस्सा यानी स्वेज नहर का पार्ट है, स्वेज नहर को लेकर हमेशा स्थिति ये रहती है, एक बार आपने सुना भी होगा एक जहाज यहाँ पर स्टक कर गया, फंस गया था इस नहर में और काफी लंबे समय तक ट्रेड का पूरा रूट ब्लॉक था, तो अल्टरनेटिव रूट होने चाहिए। इसी तरह से ये जो मार्ग है ये सीधे ईरान के एक तरह से दायरे में आ जाता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फारस की खाड़ी की बात करें तो फारस की खाड़ी में अगर किसी तरह का ट्रेवल होना है तो ईरान के सीधे कह सकते हैं टारगेट में ये रहता है। तो अगर आपने एक वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर विकसित कर दिया यूरोप तक जाने का, तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से ईरान और सब स्थितियों को बायकॉट करके मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ईरान को लेकर स्थितियां थोड़ी सी नियंत्रित करने का प्रयास हुआ है भारत मिडिल ईस्ट के जो अन्य देश हैं उनको महत्व देकर। और भारत की तरफ से आप देखें कि ये जो प्रयास हुआ है तो उससे भारत के आर्थिक तो पूरे होंगे ही, जो आगे हम देख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 2012 से ही कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रयास चल रहा था कि अमेरिका के सहयोगों को साथ साथ लाया जाए, और इसी प्रक्रिया में आप देखें 2012 में भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई, इनके बीच में बैठकें शुरू हुई थी, एक वर्चुअल समिट जैसा हुआ था, और उसी की अंतिम परिणति थी कि ITU2 यानी इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, इन देशों का समूह एक तरह से बन गया, एक आपस में ये मिलकर आर्थिक हित, सामरिक हित सब रूप में एक तरह से चर्चा करते हैं। तो अमेरिका यहाँ पर भारत को, यूएई को, इजराइल को साथ में क्यों ला रहा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसे अपने सहयोगी चाहिए। तो अगर वो चीन और रूस को काउंटर कर रहा है, मान लीजिए एशिया में, तो ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट में खालीपन रहे हैं, उसके मित्र वहां पर मजबूती से काम करते रहे, वो अमेरिका प्रयास यहां पर कर रहा है। तो ITU2 का ये जो विचार है वो इसी एक तरह से कह सकते हैं प्रमुख सिद्धांत को कहीं ना कहीं दिखलाता है कि अपने जो मित्र हैं, सहयोगी देश हैं, उनकी स्थिति को मिडिल ईस्ट में मजबूत किया जाए, और यूएई, भारत, सऊदी अरब, इन सबको यहां पर साझेदार बनाकर अमेरिका इसी एक दाव को खेलने का प्रयास कर रहा है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो कॉरिडोर बनाया गया है ये बड़े पैमाने पर, अब देखिए यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, आप जाकर इसका वीडियो देख भी सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा था कि भारत का जो कांदला है वहां से आप देखें इजराइल के हाइफा तक के लिए, यानी कांदला से पहले मान लीजिए हम यूएई में पहुंचते हैं, वो चाहे जबल अली हो या दुबई का हिस्सा हो सकता है या सऊदी अरब के जो क्षेत्र है, हमने 5 अलग अलग बिंदु की बात करी थी, उनको रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है, कहां पर? जॉर्डन से होते हुए इजराइल में हाइफा बंदरगाह तक। तो ये जो पूरा आपका नेटवर्क है इससे आप देखें माना जा रहा है कि आर्थिक स्थितियां काफी हद तक मजबूत होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान के प्रभाव वाला ये जो क्षेत्र है जहां पर हमेशा ईरान का एक खतरा रहता है अमेरिका के लिए, उस स्थिति को थोड़ा सा काउंटर कर दिया गया है, क्योंकि हम इसको लेकर अब एक अलग ही रास्ते पर जा रहे हैं, हमने इधर इसको एक तरह से साइडलाइन कर दिया है। तो ईरान को लेकर स्थितियां उतने बड़े पैमाने पर यहां प्रभाव डालने वाली नहीं दिख रही है। तो इसी को लेकर माना जा रहा है कि ये जो प्रयास किया गया अमेरिका का, इससे मिडिल ईस्ट में वो खुद नहीं अपने सहयोगियों को साथ लाकर अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। तो आप देखें कि एक ऐसी स्थिति है कि अकेले आप काम नहीं कर सकते हैं, अब आपको सहयोगियों की जरूरत है। और भारत जैसी अर्थव्यवस्था, भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्य वाला देश हमेशा आप देखें अमेरिका के लिए बड़ा साझेदार सिद्ध होगा, खासतौर से मिडिल ईस्ट में। क्योंकि आप ये भी ध्यान रखें कि मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध भी हैं, चाहे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, कतर, बहरीन, तो इनके साथ हमारे जो सांस्कृतिक संबंध है वो भी संबंधों की मजबूती को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो सारा कामकाज अमेरिका कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को दोबारा बढ़ा रहा है, अपने सहयोगियों को मजबूती दे रहा है,
तो उससे ये भी देखना पड़ेगा कि पश्चिम एशिया जो पूरा है वो बिल्कुल नए तरीके से अब आपका काम करता है। खासतौर से अगर हम यहाँ पर सऊदी अरब की बात करें, जो लोग फुटबॉल को थोड़ा पसंद करते होंगे उन्होंने हाल फिलहाल में देखा होगा कि सऊदी अरब फुटबॉल को लेकर बहुत प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे रोनाल्डो एक सऊदी अरब के क्लब में ही खेल रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है वो फुटबॉल के नए बड़े कह सकते हैं कि एक सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है। तो ये क्या प्रयास है? ये प्रयास है सऊदी अरब का वैश्विक मंच पर अपने आप को स्थापित करना। तो इसे आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं कि देखिए हर काम हथियार से सेना के माध्यम से भी नहीं होता है। सऊदी अरब में आप देखिए धन संसाधन को लेकर स्थितियां बहुत खराब नहीं है, बेहतर है। तो उस तरह के निवेश के माध्यम से फुटबॉल की एक जो डिप्लोमेसी है उसका उपयोग करके सऊदी अरब को एक वैश्विक मंच पर आगे ले जा रहा है। तो ये जो नया पश्चिम एशिया है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, जब हम क्षेत्रीय शक्तियों की बात करते हैं तो आप इसको दो ही भाग में तोड़िए, एक तो सऊदी अरब और दूसरा यहां पर जो बड़ी शक्ति है वो है ईरान। इन दोनों अगर प्रमुख शक्तियों की बात करें तो आप इनके बारे में पहले से फिक्स नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज के इस तात्कालिक समय में सभी अपने हितों को लेकर काम कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब और ईरान की साझेदारी दोनों को लाभ देती है तो वो चीन के साथ साझेदारी की स्थिति में जा सकते हैं। तो एक समस्या ये भी है अब कि अमेरिका को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसी भी रिलेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले कि नहीं भाई ये हमारे साथ है तो हमारे साथ ही रहेंगे, नहीं। क्योंकि आप देखें कि चीन के मध्यस्थता में इस तरह की बैठकों को लेकर स्थितियां बन रही हैं सऊदी अरब ईरान की, तो यहां पर जो भी देश है, सऊदी अरब है या ईरान मान लीजिए है, यूएई की बात करें, बहरीन की बात करें, ये सब अपनी विदेश नीति को लेकर काफी स्वतंत्र रूप में अब काम कर रहे हैं। तो वो प्रभाव अमेरिका डाल पाएगा उसको लेकर समस्याएं कहीं ना कहीं बनती हैं। एक ये भी स्थिति है कि ईरान, देखिए सऊदी अरब और यूएई एक तरह से आप देखें कि वो ईरान के साथ काउंटर में है, क्योंकि मैंने एक तरह से बात करी कि जो दो बड़े धड़े हैं सऊदी अरब और ईरान, तो सऊदी अरब का बड़ा सहयोगी एक तरह से हो जाता है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो ईरान का आप देखें दोनों के साथ एक तरह का एक झगड़ा सा रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखें कि कोई भी यहां पर जो देश है जो मिडिल ईस्ट में है वो ये नहीं चाहता है कि ईरान से सीधे किसी तरह की टक्कर ली जाए, ईरान से सीधे कोई एक हमला या इस तरह की स्थिति में जाया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जो भी एक तरह की स्थिति है, चाहे हम कतर की सऊदी अरब के एक तरह से नेतृत्व में जो नाकाबंदी की गई थी या सीरिया में बशर अल असद के साथ में जो सुलह की स्थिति है, तो दो घटनाएं आपको देखनी है। पहला देखिए कतर के साथ में आप देखें सऊदी अरब के द्वारा एक समय कतर से जो भी कंसाइनमेंट आ जा रहा था उसका एक ब्लॉकेट किया गया था, तो कतर को काफी आर्थिक रूप में समस्याएं आई थी। तो कतर और सऊदी अरब में ये एक समस्या की स्थिति दिखी थी। एक दूसरा बिंदु अगर हम देखें सीरिया में जो भी समस्या चल रही है वहां पर जो बशर अल असद है उनके साथ आप देखें अरब देशों ने काफी हद तक सुलह की स्थिति बना ली है, तो बशर अल असद अभी भी मजबूती से सीरिया में है, जबकि एक समय अरब देश उनका विरोध कर रहे थे कि मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं या अलग अलग तरह के आरोप थे। तो आप देखें कि अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका सीरिया में बशर अल असद को नहीं चाहता है, लेकिन सऊदी अरब उनकी स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ गए हैं क्योंकि वह शांति से काम करना चाहते हैं। उसी तरीके से आप देखें कतर ने सऊदी अरब की जो ब्लॉकेट किया था उसको लेकर भी काफी विरोध हुआ, लेकिन यूएई या अन्य देशों ने उतना विरोध नहीं किया क्योंकि वह सऊदी अरब के साथ है। तो यहां पर आप यह ध्यान रखें कि कतर भी अमेरिका का बड़ा सहयोगी माना जाता है, लेकिन सऊदी अरब ने जब ब्लॉकेट किया तो उसको लेकर ज्यादा विरोध की स्थितियां या उसको रोकने के प्रयास नहीं हुए। तो यह दिखा रहा है कि यह देश अपनी जो नीतियां उसको लेकर काफी स्वतंत्र रूप में थोड़ा बहुत अब काम करने लगे हैं। तो आप उनके निर्णय को अंतिम रूप में ये नहीं कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र रूप में काम नहीं करेंगे, क्योंकि सभी अपनी शक्ति को वैश्विक स्तर पर उभारना चाहते हैं। इसमें सऊदी अरब काफी एम्बिशियस एक तरह से माना जाता है, और जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान उनको माना जाता है कि वो सऊदी अरब की जो पावर है उसको एक तरह से एक वैश्विक लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो अगर इस तरह की एक एम्बिशियस गवर्नमेंट सऊदी अरब में काम कर रही है तो अमेरिका को बिल्कुल भी इस तरह की स्थिति में नहीं रहना चाहिए कि पूरी तरह से जो मिडिल ईस्ट है उनके नियंत्रण में काम करेगा। तो एक साझेदारी की स्थिति डेवलप होती है तो बेहतर रहेगा। एक और इसका आप देखें जो एग्जाम्पल है वो ब्रिक्स को लेकर है। ब्रिक्स की अभी बैठक आप देखें दक्षिण अफ्रीका में हुई, और वहां पर आप देखें छह देशों को इसमें शामिल करने की प्रक्रिया हुई, जिसमें आप देखें सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इन सबको शामिल किया जा रहा है। तो ब्रिक्स में आप देखें एक तरह से चीन और साथ साथ रूस दोनों अमेरिका के विरोधी यहां पर है, यूएसए के विरोधी शामिल है। और ब्रिक्स के इस समूह में आप देखें अगर मिडिल ईस्ट के देश शामिल हो रहे हैं, अगर मिडिल ईस्ट के देश यहां पर जैसे आप देखें कि मिडिल ईस्ट के शामिल होने की जो स्थितियां बन रही हैं उससे एक तरह से अमेरिका थोड़ा सा आश्चर्यजनक स्थिति में था कि भाई ऐसा उन्होंने कैसे स्वीकार किया। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन, रूस, हर देश
अपनी अपनी विदेश नीति को लेकर बेहतर रूप में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ब्रिक्स में आप देखें मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो भी यहां पर जुड़ रहे हैं। तो अगर अमेरिका से वो सीधे प्रभावित होते तो शायद ब्रिक्स में जुड़ने का निर्णय नहीं लेते, क्योंकि अगर आप ब्रिक्स में जुड़ेंगे तो रूस और चीन के साथ में इनकी साझेदारी होगी, क्योंकि ब्रिक्स में एक मंच पर आप बैठेंगे। तो ये स्थिति भी थोड़ी चिंताजनक बनती है, तो यहां पर भी अमेरिका को सावधान रहने की जरूरत है। एक और आप ध्यान रखें कि जितने भी देश हैं, जो हमने पीछे भी चर्चा भी किया कि मिडिल ईस्ट के देश ईरान के साथ जो एक तरह से एक टकराव है उसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ईरान काफी एग्रेसिव रूप में बिहेव करता है, अपनी स्वायत्तता को लेकर अपनी नीतियों को लेकर वो किसी तरह से जल्दी झुकता नहीं है ना समझौता करता है। तो कोई भी देश हो, चाहे यूएई है, सऊदी अरब है, कोशिश करते हैं टकराव की स्थितियों से बचा जाए, लेकिन अमेरिका ईरान को एक तरह से कमजोर करके रखना चाहता है, जैसे आर्थिक प्रतिबंध लगाकर। तो आगे चलकर इस तरह का सहयोग अमेरिका को ईरान के खिलाफ मिलेगा उसमें एक तरह से कह सकते हैं एक संशय की स्थिति है, क्योंकि अपने आर्थिक हितों को देखकर कोई भी ईरान की स्थिति को कमजोर करने के लिए प्रयासरत नहीं होगा। तो हमें यहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी आप देखें ईरान और इसराइल की जो एक तरह से एक राइवलरी है, जो आपस में टक्कर है, उस टक्कर को सभी देश बचाना चाहते हैं, वो उसमें बीच में नहीं आना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन वो चाहते हैं कि इन दोनों के टकराव में हम किसी ग्रुप में चले जाएं, तो वो हो सकता है कि न्यूट्रल काम करें। तो अगर आप सऊदी अरब और इसराइल में एक कह सकते हैं समझौते की स्थिति ला रहे हैं, तो अगर इसराइल ईरान में किसी तरह का टकराव होता है तो सऊदी अरब यूएई सहयोग करेंगे इसराइल के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो अलग अलग देशों की अपनी विदेश नीति है वो ईरान को लेकर या मिडिल ईस्ट में वो किस रूप में काम करेंगे वो स्वतंत्र रूप में काम कर रहे हैं, और इसको कहीं ना कहीं एक ध्यान में रखकर अमेरिका को अपनी नीति आगे बनानी पड़ेगी। अब जो लास्ट मुद्दा यहाँ पर आर्टिकल में लेखक की तरफ से डिस्कस किया गया भारत के लिए, कि भारत के लिए क्या स्थितियाँ हैं। तो देखिए भारत के लिए स्थिति यह है कि हम कहीं ना कहीं अमेरिका चीन की जो प्रतिस्पर्धा है या आपस में जो टकराव की स्थिति है उससे भारत के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में हम एक बड़े भागीदार के रूप में एक कॉरिडोर में हिस्सेदारी करने वाले हैं, तो उस रूप में भारत के लिए स्थितियां बिल्कुल यहाँ पर एक बेहतर रूप में दिखती हैं। और जैसा अभी मैंने पीछे भी चर्चा किया कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में मिडिल ईस्ट के साथ हमारा जुड़ाव है। आप देखिए मिडिल ईस्ट के साथ आप देखिए मध्य काल में प्रमुख रूप से बड़े व्यापारिक संबंध हमारे रहे हैं, तो वो दिखाता है कि शायद इस क्षेत्र के साथ में अमरीका की तुलना में भारत का जुड़ाव ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। आप देखिए यूएई में बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय वहाँ पर रहते हैं, यूएई की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोगों का योगदान है। तो ये स्थिति दिखाती है कि पीपल टू पीपल लोगों के बीच जो संपर्क है वो बहुत मजबूत है, और अमेरिका इस चीज़ को एक तरह से ध्यान दे रहा है, तो वो हमारे लिए एक लाभ की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी एक तरह से देखें कि हमें कहीं ना कहीं जो भी एक तरह से स्थिति है उसमें भागीदारी में हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ऐसी स्थिति ना बने जहाँ पर हम जो कोल्ड वॉर यानी जो शीत युद्ध की स्थिति है, यानी यूएसए और यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब आज के समय का रूस, तो भारत को अमेरिका रूस के जो टकराव है उसमें एक सहयोगी किसी एक पक्ष का बनकर नहीं दिखना है, क्योंकि ध्यान रखें रूस भी हमारा बड़ा सहयोगी है, तो हम बिल्कुल रूस के विरोधी के रूप में सामने नहीं आना चाहिए, ना आना हमें एक तरह से आगे चाहिए। और भारत ऐसा प्रयास करता है कि बैलेंस बने, तो हमें ये अप्रोच हमेशा बनाकर रखनी है, क्योंकि 90 के दशक के पहले आप देखें ये एक हमारी कमी रही है कि हमने एक नीति कही जाती है, इसको हम बोलते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष। तो गुट निरपेक्ष में हमने क्या करा, हमने किसी भी समूह का भागीदारी नहीं बनी, हमने अमेरिका और सोवियत संघ से बराबर दूरी रखी, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम सोवियत संघ के ज़्यादा क्लोज थे, हम सोवियत संघ के ज़्यादा क्लोज थे बजाय यूएसए के। तो ये स्थिति शीत युद्ध में दिखाई पड़ी थी। अब ऐसा ना हो कि ये दिखाई पड़े कि हम अमरीका के ज़्यादा पास हैं, रूस के उतना क्लोज नहीं है, तो उससे हमें बचने की आवश्यकता है। तो भारत के लिए ये एक यहाँ पर सजेशन दिया गया है। एक और बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप में दी गई है, और ये मैप में आप एक तरह से देखिए, ये जो कॉरिडोर बना दिया गया बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि हमारे पश्चिमी जो बंदरगाह के क्षेत्र हैं या ये जो भाग है वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक तरह से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि भारत की तरफ से आप देखें कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है उसका क्या होगा। तो ये जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला ये जो कॉरिडोर है, अभी मान के चलिए स्थितियाँ थोड़ी सी रुकी हुई दिख रही हैं, लेकिन इसको भारत को मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए, तो हम बैलेंस करें दोनों को। क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा उसमें कहीं ना कहीं रूस को लेकर व्यापार की स्थिति हमारी आसान होगी, सेंट्रल एशिया में हमारी पहुंच बनेगी, साथ साथ ईरान के साथ व्यापारिक स्थितियाँ बढ़ेगी, यहाँ के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने की बात इसमें हो रही है।
तो ये सब स्थिति क्या है? तो यहां पर आर्टिकल में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको अगर एक नया कॉरिडोर मिल गया है, यानी आपके पश्चिमी तट से मिडिल ईस्ट से यूरोप आप जाने का रास्ता देख रहे हैं, एक रेल मार्ग का संपर्क मार्ग रहेगा समुद्री मार्ग के साथ में, तो आपको उत्तर दक्षिण जो गलियारा बनने वाला है इंटरनेशनल, वहां पर अपनी स्थितियों को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य पूर्व गलियारा एक नया चैनल जरूर खोलेगा, लेकिन आप जिस चैनल को लेकर पहले से काम कर रहे हैं कि एक रास्ता बनेगा उत्तर दक्षिण का, वहां पर स्थिति एक तरह से आप बनाकर रखिए, क्योंकि हमें अपनी नीति को समग्र रूप में आगे बढ़ाना है, किसी एक बड़ी पावर को खुश करने का हमें प्रयास नहीं करना है। और आप देखें, ये गलती इस आर्टिकल में इस बात को मेंशन किया गया है बहुत ही स्पष्ट रूप में कि अपनी विदेश नीति में हमने अफगानिस्तान को लेकर यही एक तरह की गलती करी। और आज आप देखिए, आज की स्थिति क्या है, एक समय अमेरिका तालिबान का सबसे बड़ा विरोधी था, आज देखिए कि तालिबान को वहीं पर सत्ता सौंप कर अमेरिका वहां से हट गया, क्योंकि उसके हित वहां पर नहीं सध रहे थे और हम तालिबान के विरोधी के रूप में ही रह गए। हमने अफगानिस्तान में कितना निवेश किया, आज स्थिति यह है कि हमें तालिबान के साथ जो संपर्क है वो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ रहा है। तो यहां पर आर्टिकल में ये बात स्पष्ट की गई है कि हमें अफगानिस्तान की जो गलती है वो एक तरह से दोहरानी नहीं है। तो अफगानिस्तान की गलती दोहराना नहीं का मतलब ये है कि एक कहावत सी रहती है कि आप अपने सारे एग एक बास्केट में न डाल दीजिए, यानी अपने सारे विकल्पों को अमेरिका के साथ में जोड़ दीजिए, आप अपने विकल्पों को अलग से भी तैयार रखिए, और यही हमें यहाँ पर करने की आवश्यकता है। तो हम अपने संतुलन को न बिगाड़ें, और पश्चिम एशिया में हमारा एक तरह से प्रयास ये होना चाहिए कि हम आर्थिक और सामरिक रूप में अलग अलग देशों के साथ में अपने स्वतंत्र रूप में सहयोग की स्थितियां ज्यादा बढ़ाएं। केवल अमेरिका के सहयोगी के रूप में अगर हम मिड ईस्ट में पहचाने जाएंगे तो समस्या ईरान के साथ भी आएगी, समस्या फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर भी आएगी, जहां पर हम काफी हद तक फिलिस्तीन को एक तरह समर्थन देते रहे हैं। तो ये सब मुद्दे कहां से कैसे हल होंगे? तो बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि अफगानिस्तान की गलती हमें नहीं दोहरानी है कि हम एक ही तरीके से अमेरिका समर्थक स्थिति में दिख रहे थे और अंत में अमेरिका वहां से हट गया और हम तालिबान के विरोध के रूप में या विरोधी के रूप में दिखाई पड़े। अब हम अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं और पाकिस्तान फिर से अपना प्रभाव वहां पर जमा पा रहा है। तो ये गलती से बचने का एक ही तरीका है कि आप अमेरिका के साथ सहयोग अगर बढ़ा रहे हैं तो रूस या कह सकते हैं कि वैकल्पिक हमारे जो सहयोग के अलग अलग तंत्र हैं वहां पर भी स्थितियां हमारी एक तरह से लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ सारा अगर हमने विकल्प डाल दिया तो अफगानिस्तान जैसी स्थिति ना बने, क्योंकि अमेरिका के अपने आर्थिक हित हैं, अपने सामरिक हित हैं। मिडिल ईस्ट में जिस दिन उसको लगेगा कि नहीं अब सामरिक हित उसके पूरे नहीं हो रहे, वो वहां से छोड़कर निकल जाएगा और हम जाएंगे फंस। तो इसीलिए हमें अपनी इस नीति को लेकर काफी हद तक संभल कर काम करने की आवश्यकता है। चलिए दूसरे भाग में आ जाते हैं और ये प्रीलिम्स के संदर्भ में हमारे जो अलग अलग कुछ प्रमुख आलेख हैं चार, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आलेख देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख है और ये आलेख आप देखें विवाद समाधान के संदर्भ में है। देखिए विवाद समाधान का मतलब ये है कि किसी भी तरह का, मान लीजिए अगर कोई व्यापारिक विवाद होता है तो उसको समाधान करने का तरीका क्या है, न्यायालय में चले जाइए। अब कोर्ट में इतनी लंबी कह सकते हैं लंबित मामलों की लिस्ट है, तो व्यापारिक मामले जल्दी समाधान चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी विदेशी है, वो भारत में किसी तरह का निवेश करी है और कंपनी किसी तरह के विवाद में सरकार के साथ किसी कानूनी प्रक्रिया में फंसी हुई है, तो ये प्रक्रिया अगर कोर्ट में है तो कोर्ट का मामला तो लंबा खींचेगा, तो इससे क्या होता है और कंपनियां निवेश करने की स्थितियों से हतोत्साहित होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कानूनी प्रक्रिया आसानी से हल नहीं हो सकती है। फिर आप देखिए ये भी एक बड़ी बात है जिसके संदर्भ में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़े पैमाने पर इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये प्रमुख रूप से कहा गया है कि जब हम व्यापारिक मुद्दों की बात करते हैं तो व्यापारिक मुद्दों में प्रमुख रूप से हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोर्ट है वो बड़े पैमाने पर लगातार निर्णय की स्थितियों में रहे, वो एक तरह से नहीं होना चाहिए। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट से अलग हटके कुछ विकल्प एक तरह से होने चाहिए और इन्हीं विकल्प को हम कहते हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी वैकल्पिक एक तरह से विवाद समाधान। अब वैकल्पिक विवाद क्या हो सकता है, किसी मध्यस्थ के माध्यम से, यानी कोई ए व्यक्ति है ये न्यूट्रल व्यक्ति है जो बी कंपनी के साथ में भी अच्छे से जुड़ा है, सी के साथ में भी जुड़ा है, यानी दोनों कह रहे हैं कि भाई हाँ ये व्यक्ति न्यूट्रल है, तो इसके अगर नेतृत्व में कोई विवाद को लेकर आपस में बातचीत होगी तो हम करने को तैयार हैं। तो दोनों ने क्या करा, कोर्ट में नहीं गए लेकिन इस व्यक्ति के ऊपर उन्हें भरोसा था, इसकी जो एक तरह से इंटीग्रिटी है उसके ऊपर भरोसा था कि भाई ये गलत निर्णय नहीं करेंगे, और इनके नेतृत्व में दोनों ने बैठक करी और मामला यहीं का यहीं निपट गया, तो कोर्ट हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या है, ये वैकल्पिक एक तरह से विवाद समाधान का तंत्र है।
तो ऐसा नहीं कि भारत में ये तंत्र नहीं है, बिल्कुल भारत में इस तरह का तंत्र है। और ये मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत इस तरह से मध्यस्थता के माध्यम से अलग अलग प्रकार के जो विवाद उनका समाधान किया जाता है। लेकिन आप देखें कि ये प्रक्रियाएं बहुत आधिकारिक रूप में बड़े पैमाने पर नहीं है, केवल एक छोटे विकल्प के रूप में रखी गई है। तो यहां पर ये जो वैकल्पिक विवाद के समाधान करने का जो तंत्र है उनको लेकर कि बिना कोर्ट में जाए हुए आप कोर्ट के बाहर ही, जिसको हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कह सकते हैं, तो मध्यस्थ के माध्यम से आपके जो विवाद है उनका हल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी कहती है कि हमने इनको कच्चा माल दिया, इन्होंने हमें अभी तक पेमेंट नहीं दिया। अब इसके लिए कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? भी हो सकता है कंपनी घाटे में, रुक जाइए, इंटरेस्ट ज्यादा ले लीजिएगा, मध्यस्थ के नेतृत्व में बैठकर बात किया, मामला हल हो गया। तो कोर्ट कहीं ना कहीं इसके लिए एक बेहतर विकल्प नहीं है, और इसीलिए मध्यस्थता का जो भाग है वो एक तरह से कहीं ना कहीं बढ़ाना। तो कोर्ट में मुकदमेबाजी में जो समय लगता है वो व्यापारिक रूप में काफी हद तक एक नुकसान पहुंचाता है। और इसीलिए आप देखें कि जो हमारा मॉनसून सत्र था संसद का, अभी हाल फिलहाल का, उसमें आप देखें मध्यस्थता विधेयक 2023 पारित कर दिया गया है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये पारित हो चुका है। और महामहिम राष्ट्रपति जी की एक तरह से सहमति प्राप्त होने के बाद ये मध्यस्थता अधिनियम 2023 के रूप में एक तरह से स्थापित हो जाएगा। और अगर ये स्थापित हो जाएगा तो अदालत के बाहर आप देखें कि अलग अलग वैकल्पिक रूप में जो विवाद हैं उनको हल करने की प्रक्रियाएं और कानूनी रूप में ला दी जाएंगी, यानी कोर्ट से अलग हटके, यानी कोर्ट की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया, उनसे अलग हटके जो भी एक तरह से अलग अलग व्यापारिक मामले हैं उनके निपटारे की जो स्थितियां हैं वो काफी हद तक इससे हल की जाएंगी। और यहां पर यह भी एक तरह से कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से ये जो मध्यस्थता की स्थिति है यानी मीडिएशन, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि भाई ऐसा है कि मध्यस्थता से समाधान कीजिए, कोर्ट में जाने की जरूरत क्या है। तो ये जो कानून लाया जा रहा है ये मध्यस्थता को और मजबूत करेगा। यहां पर आप ये भी ध्यान रखें तो हमारे पास पूर्व मध्यस्थता के समझौते जरूर थे, लेकिन प्रत्येक पक्ष को भारतीय अदालत में जाने से पहले मुकदमे पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को निपटाने के लिए ये बाध्य करेगा। तो अभी तक ऐसी बाध्यता नहीं थी, ऐसा कंपल्सन नहीं था। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी से मेरा कुछ विवाद है, चाहे लेन देन को लेकर ही है, कोर्ट में चले गए। अब ये कानून इस तरह की प्रक्रिया लेकर आ रहा है कि भाई कोर्ट में जाने से पहले आप ये मध्यस्थता वाला जो भाग है उसको कहीं ना कहीं आजमा लीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि जो भी प्रक्रिया आपको दिखती है उसमें आपको एक तरह से प्रयास ये करना है कि कोर्ट में जाने से पहले क्या आप एक तरह से मध्यस्थता से ये प्रक्रिया कर सकते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से काम यहाँ पर इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। तो एक बाध्यता अगर बना दी गई कि भाई व्यापारिक मुद्दे कोर्ट में जाए उसके पहले आप मीडिएशन या मध्यस्थता से हल कर लें, तो शायद प्रक्रियाएं थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो अब इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा कि देखिए, जो भारतीय अदालतों में गलत एक तरह से जो मामले आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने हमारा पैसा पेमेंट नहीं किया, इन्होंने कंसाइनमेंट ले लिया उसका पेमेंट नहीं हुआ, इस तरह के मामले कभी कभी गलत रूप में भी एक तरह डाले जाते हैं। पेमेंट हो सकता है डिले हो गया, लेकिन जब तक आपने कोर्ट में मामला किया पेमेंट आपका हो चुका है, तो मामला क्या अंतिम रूप में सुनवाई होगा, आप अपना केस वापस लेंगे, एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। तो ये सारा काम अदालत की एक तरह से स्थिति से बचेगा। और कभी कभी आप देखें गलत तरीके से अलग अलग कंपनियों में बहुत सारे कोर्ट केस किए जाते हैं जिससे कि उनकी छवि खराब की जाए, तो वो मामले रुकेंगे क्योंकि आप कोर्ट में जाने से पहले आपको मध्यस्थ वाली स्थिति में जाना पड़ेगा। और ये भी एक स्थिति बनती है कि जैसे दो लोग हैं ए और बी, अब दोनों ने अगर खुले में झगड़ा किया, ये तो आप खुद ही समझते हैं कि मान लीजिए दो दोस्त हैं, अब उन्होंने खुले में कहीं पर गली मोहल्ले में खड़े होकर आपस में खूब लड़ाई करी, एक दूसरे को खूब मारा पीटा, तो अब उन दो दोस्तों में आप देखें आपस में सुलह करा पाना आसान नहीं है क्योंकि दोनों की बेइज्जती हो गई, क्योंकि पिटाई तो आपस में दोनों ने एक दूसरे की करी। तो जब पब्लिक में मामला आ गया तो दो कंपनियां पब्लिक में कोर्ट में झगड़ रही हैं, तो दोनों की एक तरह से आप देखें जो स्थिति है थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। और जब आप मध्यस्थता के माध्यम से काम कर रहे हैं तो वहां पर जब मीडिएशन हो रहा होता है तो ये बात उतनी सार्वजनिक रूप में पब्लिक में नहीं जाती है। तो ये भी कहा गया है कि कंपनियों के बीच में जो मामले इस तरह के हैं अगर मध्यस्थता से हल होंगे तो आपस में कंपनियों के जो आपस में संबंध हैं वो उतने स्तर पर खराब नहीं होंगे, और ये व्यापारिक स्थिति को काफी हद तक थोड़ा मजबूत करने का एक काम करेगा। साथ साथ ये भी आप देखें पैनल में जो मध्यस्थ होंगे उन्हें हमेशा तटस्थ रहने और कोई विशेषज्ञ जो इस तरह का समझौता करा पाएगा उन्हीं को रखा जाएगा। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि पता चला वो झगड़ा लगाने के लिए या मान लीजिए कि वो सही से समाधान न करने के लिए जाना जाता हो। तो इस कानून के माध्यम से यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जो इस तरह की मध्यस्थता या मीडिएशन के एक्सपर्ट माने जाते हैं और न्यूट्रल हैं, अब आप किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और आपको कहीं पर मीडिएटर बना दिया गया, तो भैया आप तो उनके पक्ष में निर्णय लेंगे,
तो न्यूट्रल लोग और एक्सपर्ट लोग वो मध्यस्थ के रूप में लाए जाएंगे इस कानून के माध्यम से, ये भी प्रावधान है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी मामला जैसे आज के दिन में शुरू हो रहा है, तो ये कहा गया है कि जब एक तरह से मामला शुरू होता है किन्हीं दो पार्टियों के बीच में, उससे शुरू होने के 180 दिन के अंदर अंदर मध्यस्थता में ये सारा काम आपको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि समय सीमा आप नहीं लगाएंगे, बस मध्यस्थता से मामला चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है, तो कोर्ट से अलग क्या हुआ फिर। तो मेन बात ये भी कि आपको कहीं ना कहीं जो समय है उसकी बचत करने का भी एक तरह से यहाँ पर काम होगा। और व्यापारिक स्थितियों में समय एक बड़ा कह सकते हैं आधार रहता है, जितना इन प्रक्रियाओं में कम समय लगेगा व्यापार करने की प्रक्रिया के लिए लोग उतना ही ज्यादा उत्साहित होते हैं। तो ये एक बड़ा आधार माना गया है कि एक कम समय में प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। एक लास्ट में आप देखें एक महत्वपूर्ण बहुत ही बिंदु है कि मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर यानी मध्यस्थता सर्विस प्रोवाइडर एक तरह से यहाँ पर लाए जाएंगे, जो मध्यस्थता की एक तरह से सेवा उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ऐसी संस्थाएं एक तरह से, जैसे आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सुनते हैं जो इंटरनेट की सेवा देते हैं, उसी तरीके से जो लोग मध्यस्थता की सुविधाएं देते हैं या सचिवों की सहायता की सुविधा देते हैं या आधारभूत ढांचा देते हैं मध्यस्थता के संदर्भ में, भाई मान लीजिए उनके द्वारा एक कार्यालय बना दिया गया कि भाई यहाँ पर मध्यस्थ बैठकर पूरा आपका जितना डाटा है वो सब दिया जाएगा, आप सारा अनुसंधान करके दो कंपनियों का जो मामला है उसकी मध्यस्थता कर सकते हैं। ऐसा काम करने के लिए जो कंपनियां होंगी वो एज ए सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर काम कर पाएंगी। तो माना जा रहा है कि इस कानून से भारत में सर्विस प्रोवाइडर जो मीडिएशन या मध्यस्थता का काम बढ़ाएंगे उनका एक बड़ा नेटवर्क आएगा। तो ये भी एक तरह से एक नए व्यापार का जो तंत्र है वो भारत में खुलेगा। तो ये माना जा रहा है कि व्यापारिक स्थितियों को लाभ तो पहुंचाएगा ही, साथ साथ आप देखें कि भारत में एक तरह से जो व्यापारिक प्रक्रियाओं में जटिलता आ जाती है, लंबा समय लगता है, वो भी काफी हद तक रुक पाएगा। तो ये कानून महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद जब लागू होगा तो व्यापारिक स्थितियों को काफी हद तक आसान करेगा और कोर्ट की जो मुकदमेबाजी है उससे शायद व्यापारिक स्थितियों में एक बचने का काफी हद तक एक यहाँ पर आधार बनता है। चलिए अगले यहाँ पर आलेख को देख लेते हैं और ये क्वेड के जो मंत्री हैं, जब हम क्वेड की बात करते हैं ये एक तरह से चार देशों का समूह है। अब तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चारों देश यहाँ पर याद हो गए होंगे। तो उनकी जो बैठक हुई है क्वेड की, अगर हम बात करें यानी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर अगर हम क्वेड की बात करते हैं तो क्वेड के संदर्भ में आप देखें कि 2007 में सबसे पहले आप देखें उस समय के जो जापानी प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उनका प्रमुख रूप से यह विचार था कि एक तरह से एक जो गठबंधन है वो बनाया जाए। तो क्वेड की जो स्थिति है उसके लिए काफी हद तक शिंजो एबे को एक तरह से उत्तरदायी माना जाता है और काफी विजनरी रूप में आप देखें तो शिंजो एबे का यह विचार माना गया और आप देखिए आज की स्थिति में काफी प्रासंगिक हो गया है। क्योंकि जिस तरह से इंडो पैसिफिक में चीन की स्थिति लगातार एक तरह से एग्रेसिव, एक कह सकते हैं कि अन्य देशों को डराने धमकाने जैसी बन रही है, उसमें ये समूह को बहुत ही मजबूत रूप में काम कर रहा है। और अब वियतनाम, दक्षिण कोरिया इन जैसे देशों के सहयोग भी यहाँ पर क्वैड में बढ़ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि अगर ये आगे चलकर विस्तारित होता है तो इंडो पैसिफिक का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर चीन की स्थिति को हम नियंत्रित कर पाएंगे। तो ये जो क्वेड की बैठक है आप देखें, क्वेड के जो मंत्री हैं उनकी जो बैठक है वो एक तरह से आयोजित की गई है। कहाँ पर ये आयोजित हुई है? न्यूयॉर्क में। क्योंकि आप देखें कि 78वां यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसकी बैठक वहां पर हो रही है और उसी बैठक के अगर आप देखें कि पृष्ठभूमि में जो चारों देश हैं उनके एक तरह से जो विदेश मंत्री हैं, आप देखें भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो वहां पर हैं, उन सबकी बैठक हुई है और वहां पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं खासतौर से संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के संदर्भ में। और एक और शब्द यहाँ पर यूज किया गया, रूल बेस्ड ऑर्डर। देखिए इसको लेकर क्वैड प्रमुख रूप से बात करता है। तो रूल बेस्ड का मतलब क्या है? नियम आधारित। तो जब भी हम नियम आधारित बात करते हैं तो ये सीधा इशारा किसकी तरफ होता है? चीन की तरफ। क्योंकि चीन ने बहुत सारे जो द्वीप हैं प्रशांत महासागर के भाग में, अगर आप देखें पैसिफिक में, उन पर अनधिकृत रूप में अपना नियंत्रण एक तरह से बनाया है। हमने चर्चा किया था कि वियतनाम का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था वहां पर उन्होंने कच्चा तेल निकालने की एक रिग लगा रखी है। तो भाई ये क्या है? भाई कुछ नियम कानून है ना, तो आप उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो क्वेड ये कह रहा है कि जो रूल बेस्ड सिस्टम है पूरी दुनिया का वो लागू होना चाहिए नियम के आधार पर। जैसे समुद्र के संदर्भ में आप देखें यूएन क्लॉज जो नियम है वो चलता है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सी ऑफ लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो ये जो यूएन क्लॉज है उसके आधार पर ये सारे नियम बने हैं, लेकिन चीन कभी कभी इसको भी नहीं मान रहा है तो अपनी मनमानी कर रहा है।
तो इसीलिए ये शब्द आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि रूल बेस्ड जो सिस्टम है उसके बारे में प्रमुख रूप से कहा गया है कि इंडो पैसिफिक स्वतंत्र रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, आवागमन को लेकर प्रतिबंध की स्थितियां ना हो, और अनधिकृत रूप में द्वीपीय क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए या कृत्रिम द्वीप बनाकर अपनी एक तरह समुद्री सीमा को विस्तारित करने के प्रयास नहीं होने चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार एक तरह से क्वेड चाहते हैं कि लागू किया जाए। यहाँ पर यह भी आप ध्यान रखें, यूक्रेन के संदर्भ में प्रमुख रूप से ये बात एक स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो भी एक तरह से वर्तमान स्थिति है उसमें काफी हद तक जो शांति की स्थिति है वो एक तरह से यहाँ पर बनाई जाए। लेकिन आप ध्यान दें, रूस को यहाँ पर एग्रेसर या आक्रांता के रूप में जो स्थिति है उसके बारे में संबोधन नहीं दिया गया, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए बात जरूर कही गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि रूस यूक्रेन का जो विवाद है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से जो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव है, देखिए ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या होता है उसके बारे में जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई है। तो ये जो आपका एक तरह से इनिशिएटिव है प्रमुख रूप से खाद्य आपूर्ति के संदर्भ में ये जुड़ा हुआ है, तो ये इसी जुलाई को एक्सपायर हो गया क्योंकि एक साल की समय सीमा पूरी हो गई। तो इसको एक्सटेंड करने के संदर्भ में आप देखें यहाँ पर एक जो कह सकते हैं कि समर्थन है वो क्वेड के देशों के द्वारा दिया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि G20 में जो इसके संदर्भ में बात की गई थी उसी को एक तरह से आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर हम देखें तो स्थायी और गैर स्थायी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विस्तार है उसमें खास तौर से सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं 5 उनकी संख्या को बढ़ाना, और साथ साथ जो नॉन परमानेंट एक तरह से सदस्य हैं क्योंकि सुरक्षा परिषद में आप देखें 5 स्थायी और एक 10 अस्थायी रूप में सदस्य होते हैं जो 2-2 साल के लिए वहां पर नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर क्वेड के द्वारा कहा गया है कि चाहे हम बात करते हैं स्थायी सदस्यों की, जो सुरक्षा परिषद के परमानेंट 5 हैं, तो कौन से परमानेंट P5 कंट्रीज हैं उनके नाम कमेंट में आप लोग बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ये जो P5 है इनकी संख्या बढ़ाना, और जो अस्थायी सदस्य आपके 10 रहते हैं जिनको एक तरह से नियुक्त किया जाता है 2-2 साल के लिए, उनकी संख्या को विस्तारित करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में जो सुधार की स्थितियां हैं उसके बारे में क्वेड के द्वारा प्रमुख रूप से बात कही गई है। वैसे आप ध्यान रखें कि भारत और जापान दोनों ही परमानेंट सीट को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 बड़े एक तरह से आवेदक माने जाते हैं। यहाँ पर उत्तर कोरिया के संदर्भ में आप देखें जिस तरह से प्योंगयांग की तरफ से मिसाइल लॉन्च या उनका जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर भी एक विरोध की स्थिति है, और म्यांमार के बारे में कहा गया कि वहां पर एक तरह से जो लोकतांत्रिक स्थितियां हैं वो सैन्य सरकार को जल्द स्थापित करना चाहिए। तो ये जो बैठक हुई है उसमें आप देखें कई मुद्दों पर क्वेड ने एक तरह से बात करी है। तो ये इशारा क्या है? इशारा ये है कि केवल इंडो पैसिफिक तक क्वेड की साझेदारी नहीं है, क्वेड वैश्विक रूप में अब साझेदारी करेगा, यानी वैश्विक जो भी भू राजनीति है उसको प्रभावित करने वाले जो अलग अलग मुद्दे हैं वहां पर क्वेड अपनी भूमिका को बढ़ाएगा। तो ये बिल्कुल इशारा है कि क्वेड कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक मजबूत सामरिक शक्ति के रूप में एक तरह से, खास तौर से आप देखें चीन का जो प्रयास है कि पूरा रूल बेस्ड जो सिस्टम है समुद्र में काम करने का उसको जो वो थोड़ा सा अलग थलग कर रहा है उसको काउंटर करने का एक तरीका है। तो शुरुआत तो बहुत छोटे रूप में हुई लेकिन आज आप क्वेड को देखें तो काफी विस्तारित हो गया है। तो जितने अलग अलग मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में क्वेड की भूमिका आपको बढ़ती हुई दिखेगी। चलिए अगले आर्क को देख लेते हैं, सेकंड लास्ट हमारा, और ये अगर आप देखें तो ASI नहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संदर्भ में आप लोग जरा कुछ पॉइंट बताइए कमेंट में कि इसकी स्थापना कब की गई थी। साथ साथ आपको ये बताना है कि ये संस्था किस मंत्रालय के अधीन या किस मंत्रालय के संदर्भ में एक तरह से जुड़ी हुई है। तो ASI मतलब एक तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से आप देखें बहुत सारी जो इमारतें होती हैं उनको एक तरह से संरक्षित किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें जो संसद में यानी एक पार्लियामेंट्री जो पैनल है, जो संसद का एक पैनल है, उसने अपनी रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट में इस तरह के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं, इस तरह के जितने भी अलग अलग स्थल हैं उनके संरक्षण को लेकर जो स्थितियां हैं उसमें कुछ पुनर्विचार करने की बात की गई है। देखिए जरा, तो यहाँ पर प्रमुख रूप से कहा क्या गया है, तो पैनल का कहना यह है कि आप देखिए सामान्य तौर पर नियम ये कहलाता है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई मॉन्यूमेंट है, हम मान लेते हैं कोई एक इमारत है जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। वैसे आप संख्या के बारे में ये ध्यान रखें कि भारत में इस तरह की कुल कितनी इमारतें हैं, 3,691। तो 3,691 ऐसी इमारतें हैं जिनको एक तरह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। अब आप देखें कि ये एक तरह से कल्चरल रूप में, सांस्कृतिक रूप में, धार्मिक रूप में या भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो आर्किटेक्चर के संदर्भ में कुछ गुफाएं हो सकती हैं या कोई आपका आर्ट या पेंटिंग का रूप हो सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, लगभग कितने हैं, 3691, जो प्रोटेक्शन प्राप्त है किससे, एएसआई के माध्यम से। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इस इमारत का, तो इस इमारत में आप देखें दो घेरे बना दिए जाते हैं। एक घेरा होता है ये सबसे पास वाला, थोड़ा तो इसको और बड़ा बना देते हैं। एक घेरा ये है जो आपका एक तरह से इस इमारत से 100 मीटर की दूरी को दिखाता है, ठीक है। और एक दूसरा घेरा रहता है, अगर मैं इस भाग को यहां से हटा दूं, एक दूसरा घेरा आप देखें तो ये तो पहला वाला घेरा हम 100 मीटर का बना लेते हैं, और एक घेरा दूसरा इसके बाहर का रहता है। तो इमारत से 100 मीटर की दूरी का एक घेरा चारों तरफ बना हुआ है और एक घेरा इमारत के साथ में रहता है, कितना, 300 मीटर की दूरी में। तो ये जो 100 मीटर की दूरी वाला भाग है ये पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड एरिया है। और ये जो 300 मीटर यानी इसके आगे का जो 300 मीटर का भाग है, यानी 300 मीटर तक का जो क्षेत्र है, ये आपका ये हिस्सा अगर आप देखें तो ये विनियमित होता है। विनियमित का मतलब रेगुलेटेड है, बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी इमारत है जो पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है, तो उसके चारों ओर 100 मीटर का जो दायरा है उसमें किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन प्रतिबंधित है। किसी भी तरह का काम करने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर समस्याएं क्या आ रही हैं कि मान लीजिए आप देखिए इस तरह की जो 3600 से ज्यादा इमारतें हैं या 3600 से ज्यादा इस तरह के मॉन्यूमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट हैं जिनका बहुत महत्व नहीं है, कहीं छोटी पर गुफा है उसको भी पुरातत्व सर्वेक्षण ने क्या करा, संरक्षित कर दिया। अब इसके 100 मीटर के दायरे में मान लीजिए कोई गांव है, और यहां पर पार्लियामेंट्री पैनल ने यही बात कही है कि भाई आपने ये जो 100 मीटर का दायरा प्रतिबंधित बना दिया है इसमें कई सारे गांव आ जाते हैं। अब इन गांव में आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते हैं, मकान में कोई समस्या है, मकान टूट रहा है, फूट रहा है, आप कोई मरम्मत नहीं कर सकते हैं जब तक एएसआई की तरफ से किसी तरह की अनुमति या उनसे कोई मंजूरी न मिले। तो ये सामान्य लोगों के लिए यहाँ पर रहने की स्थितियां वो काफी हद तक विषम हो गई हैं। तो पार्लियामेंट्री पैनल का कहना है कि भाई ये जो 100 मीटर का दायरा है इसमें जो पूरा प्रतिबंधित भाग है इसको लेकर कुछ विचार किया जाए, या जो बाहर 300 मीटर का है यहाँ आप कर सकते हैं लेकिन इसमें अनुमति कुछ दी जाती है कि भाई इतना आप कर सकते हैं इतना नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरह से, यानी मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ जिससे आपको पता रहे कि ये रेड है, तो ये पूरा रेड जोन है, यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप एएसआई के साथ में डिस्कस करेंगे तब मंजूरी आपको मिल जाए, लेकिन अगर हम ग्रीन की बात करें, हम ऑरेंज कर देते हैं कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ हद तक रेगुलेशन यानी कुछ नियम के आधार पर कुछ कंस्ट्रक्शन या अन्य प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री पैनल ने यही कहा है कि भाई ऐसा है कि ये जो हमारा कानून है उसके संदर्भ में आपको ये विचार करने की जरूरत है कि ये जो 2010 का जो कानून है जिसके माध्यम से ये सारा नियम लाया गया था 100 मीटर और 300 मीटर वाला, नाम क्या था, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958, तो उसमें संशोधन 2010 में करके ये 100 और 300 मीटर का नियम लाया गया था और माना गया कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं। वैसे आप ध्यान रखें केंद्र सरकार ने इस बात का एक बयान दिया है पहले भी कि इसको लेकर कुछ परिवर्तन आगे किया जाएगा। तो पूरे आर्टिकल में इसी बात को एक तरह से यहाँ पर डिस्कस किया गया है और मेन बातों को मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये जो 1958 का कानून है इसमें 2010 में संशोधन करके ये 100 मीटर 300 मीटर की स्थितियां बनाई गई, लेकिन 100 मीटर वाले जो हैं वहां पर विकास को लेकर स्थितियां बिल्कुल रुकी हुई हैं, या ग्रामीण क्षेत्र है मान लीजिए तो वो बिल्कुल भी कुछ कंस्ट्रक्शन या कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब मॉन्यूमेंट में नहीं अपने घरों में, क्योंकि बहुत सारे गांव इस तरह के 100 मीटर के दायरे में आ जाते हैं। तो इसको लेकर कुछ परिवर्तन करने के लिए संसदीय पैनल ने कहा है, वैसे सरकार इसके बारे में कह चुकी है, तो ये स्थिति हो सकता है कि जल्द इस पर विचार किया जाए। चलिए आज के अंतिम आलेख को देख लेते हैं, और ये अंतिम आलेख भारत में अगर हम मोटो जीपी की बात करें, अभी मैं देख ही सकते हैं टू व्हीलर्स का, तो जब हम फॉर्मूला वन की बात करते हैं तो फोर व्हीलर यानी एक तरह से चार पहिया गाड़ियों की एक रेसिंग का कह सकते हैं सबसे बड़ा तंत्र है फॉर्मूला वन, और उसी के अगर हम उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो टू व्हीलर को लेकर ये आपका मोटो जीपी का एक तरह से जो ग्रांड प्री है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में कुछ स्थितियों को हम यहाँ पर देखते हैं। आप ध्यान रखें कि ये जो आपकी रेस आयोजित की जा रही है इस रेस के संदर्भ में देखें, ये मोटो जीपी भारत या इंडियन ग्रांड प्री के नाम से 22 से 24 सितंबर यानी आज एक तरह से अगर आप देखें 22 यानी कल ये शुरू हो चुकी है, तो 22 23 24 ये 3 दिन के लिए एक तरह से इसको आयोजित किया जाएगा, और नोएडा में जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है वहीं पर इसको आयोजित किया जाएगा,
और आप ध्यान रखें ये वही जगह है जहां पर भारत में 2011 में आप देखें कि फॉर्मूला वन की जो रेस का भाग है उसको प्रमुख रूप से शुरू किया गया था, और आप देखें कि अंतिम रूप में 2013 में सबसे लास्ट आपका था जब फॉर्मूला वन की रेस वहां पर आयोजित की गई थी। उसके बाद आप देखें कि वो एक तरह का जो सर्किट है वो खाली है, यानी ये जो पूरा आपका बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट का हिस्सा है वो फॉर्मूला वन के लिए प्रमुख रूप से 2011 में अगर आप देखें तो इसको शुरू किया गया था, लेकिन फॉर्मूला वन काफी लंबे समय तक नहीं हुआ और आप देखें कि लगभग 10 साल का समय बीत चुका है, इस तरह की रेस नहीं हुई है। अब वहां पर टू व्हीलर का यानी जो मोटो जीपी है उसकी रेस को यहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और ये 22 से 24 सितंबर के बीच में। इसमें आप देखें 11 टीमें भाग ले रही हैं और 22 राइडर हैं जो एक तरह से आप देखें अभ्यास सत्र, क्वालिफाइंग स्प्रिंट रेस और जो ग्रांड प्रिक्स एक तरह से फीचर रेस है उसमें प्रमुख रूप से आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसमें आप देखें जो बड़ी बड़ी अलग अलग जो कह सकते हैं सुपर बाइक या काफी जिन्हें माना जाता है स्पोर्ट बाइक है उनके ब्रांड यहाँ पर आने वाले हैं, यानी होंडा, यामाहा, केटीएम, डुकाटी, एप्रेला, और साथ साथ अगर हम देखें तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में सुजुकी, कावासाकी और एमबी अगस्टा, इन अलग अलग कंपनियों की जो टू व्हीलर यानी जो आपकी बाइक्स हैं वो मोटो जीपी भारत में परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगी। अब ये भी ध्यान रखें कि ये जो आपका हिस्सा है मोटो जीपी का भाग, ये सबसे पहले आप देखें 2002 में प्रमुख रूप से ये जो शब्द है उसको एक तरह से शुरू किया गया, तो जिस तरह से फॉर्मूला वन का भाग है उसी संदर्भ में आप देखें टू व्हीलर के लिए ये 2002 में मोटो जीपी जो है वो प्रमुख रूप से प्रारंभ किया गया। और आप देखें इसकी जो स्थिति है वो जैसे अगर हम विश्व में सबसे पहली बात करते हैं कि इस तरह का एक फॉर्मूला वन की जो चैंपियनशिप है तो सबसे पहला 1949 में शुरू हुआ था, यानी एक साल अगर हम देखें तो फॉर्मूला वन चैंपियनशिप के एक साल पहले, तो फॉर्मूला वन की जो चैंपियनशिप है 1950 में स्टार्ट हुई और 1949 में आप देखें पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप ये टू व्हीलर के संदर्भ में स्टार्ट हुई। तो आप देखें प्रक्रिया बहुत लंबी है, लेकिन ये मोटो जीपी जो नाम है इस रेसिंग के संदर्भ में जो वैश्विक एक बाइक की रेस का संदर्भ में है वो 2002 से उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर आप ध्यान रखें डॉर्ना स्पोर्ट्स इसके लिए कमर्शियल राइट होल्डर के रूप में काम करता है, और फेडरेशन इंटरनेशनल दे मोटरसाइकिल यानी FIM की बात करें तो गवर्निंग बॉडी है जो टू व्हीलर की इस मोटो जीपी चैंपियनशिप को आयोजित करती है। तो ये कुछ स्टेटमेंट है, इनको एक तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये जो इनॉग्रल मोटो जीपी ग्रांड प्रिक्स है वो भारत में आयोजित हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, आज और कल के दिन भी है टीवी में, या अगर कोई नोएडा के आसपास रहता है अगर मान लीजिए वो गया हुआ है देखे तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि काफी आप कह सकते हैं कि एक वैश्विक स्तर पर आप देखें लोगों में बहुत क्रेज है इस रेस को लेकर, फॉर्मूला वन तो है ही साथ साथ मोटो जीपी का भी। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट जो बनता है, और आप देखें जब फॉर्मूला वन भारत में 2011-12-13 के समय में सक्रिय रूप में था तो उस समय आप देखें तो UPSC ने इस तरह का एक प्रश्न पूछ लिया था कि जो रेसिंग होती है फॉर्मूला वन की उसमें अलग अलग जो फ्लैग होते हैं उनके कलर क्या सिंबलाइज करते हैं, क्या एक तरह से वो प्रतीत के रूप में होते हैं। तो उसी संदर्भ में हम यहाँ पर मोटो जीपी की बात करेंगे कि जो कलर है फ्लैग का, क्योंकि रेस होती है तो आप देखें अलग अलग कलर एक तरह से राइडर को शो किए जाते हैं, उस कलर के आधार पर राइडर जो भी काम है वो करता है। जैसे अगर हम ग्रीन कलर की बात करें इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखें कि ट्रैक क्लियर है और एक तरह से वो अपना यहाँ पर जो बाइक रेसिंग है उसको अपना जो पिट यानी जहाँ पर गाड़ी खड़ी होती है उसकी उससे एक तरह से एग्जिट करके वो अपने काम के लिए यानी रेसिंग के लिए आगे बढ़ सकता है। अगर येलो सिंबल है यानी येलो कलर का फ्लैग है तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो रेस है उसमें थोड़ा सा एक तरह से देरी हो सकती है, आगे कुछ खतरा हो सकता है, और यहाँ पर जो भी राइडर होते हैं जैसे मान लीजिए कि एक ये है और ये भी राइडर है और दोनों रेस कर रहे हैं और आगे चलकर यहाँ पर येलो फ्लैग दिखा दिया गया मतलब अब आप एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आगे कुछ खतरे की स्थिति दिखती है। तो येलो फ्लैग का मतलब यह है कि आप रेस तो चल रहे हैं लेकिन आगे कुछ डेंजर या खतरा हो सकता है रेस में, इसीलिए आपको एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करना है। एक तीसरा फ्लैग देखिए, आप इसे रेड और येलो का मिक्सचर कह सकते हैं, यानी जो वर्टिकल लाइन है वो रेड है और वर्टिकल आपकी येलो भी है, तो ये रेड और येलो की जो वर्टिकल लाइन है इसे स्लिपरी सरफेस कहा जाता है, यानी यहां पर आप देखें हो सकता है तेल या किसी तरह का मान लीजिए मलबा टक्कर से फैल गया है तो उस कारण से जो सतह है उस पर ग्रिप नहीं आ रही है, तो माना जा रहा है कि ग्रिप अच्छी नहीं है इसीलिए यहां पर एक तरह से अभी आप राइड करने की जो स्थिति है वो नहीं बन रही है, और आप राइड कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सेफ्टी लेकर चलना है। और अब देखिए इसी संदर्भ में एक बिंदु यहां पर सामने आता है, जरा आप देख लें कि ये जो यहां पर भारत में ग्रैंड प्री आयोजित की जा रही है मोटो जीपी की उसमें आप देखें कि जो ट्रैक है यानी बुद्धा इंटरनेशनल जो सर्किट है इसमें अगर हम देखें ग्रेवल यानी आप छोटे कंकड़ कह सकते हैं उनको बिछाने का काम भी किया जा रहा है,
जिससे कि जो स्लिप होने की स्थिति है वो थोड़ी सी बचे। साथ साथ आप देखेंगे जो ट्रैक है उसके आसपास जो कॉलिजन या टकराने वाले जोन है उनको एनहेंस करके नए रूप में लगाया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की टक्कर हो तो जो यहाँ पर एक तरह से राइडर है उनकी सेफ्टी सुनिश्चित की जा सके। तो ये नए परिवर्तन पुराने ट्रैक में एक तरह से किए जा रहे हैं। एक और आप देखें, ये क्रॉस रेड कलर का व्हाइट पर है, इसका मतलब ये है कि कुछ बारिश की बूंदें एक तरह से पड़ी हुई हैं, यानी बारिश लगभग शुरुआती स्थिति में है और आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। और जैसे ही व्हाइट फ्लैग शो होता है, मतलब बारिश हो रही है तेज और आपको एक तरह से यहाँ पर जो पूरा ट्रैक है वो गीला हो चुका है, और ट्रैक जब ड्राई होगा या सूखेगा उसके बाद आप देखें कि एक तरह से जो राइड है वो करने की स्थिति है। और यहाँ पर जो बाइकर्स होते हैं उन्हें अपनी जो बाइक है उसे चेंज करने के लिए एक तरह से मौका दिया जाता है। अगर व्हाइट पूरा फ्लैग है, अगर रेड फ्लैग है मतलब यहाँ पर रेस को रोक दिया गया है या इमिडिएटली आपको रुकना है, धीमा करना है गाड़ी को, और आपका जो भी पिट है जहाँ पर आपका पूरा कह सकते हैं मैकेनिक या जो भी इंजीनियर आपके कंपनी के खड़े हुए हैं आपकी गाड़ी के साथ में, वो आपको वहाँ पर एक तरह से जाकर रुक जाना है। अगर येलो है तो ये फाइव स्टार राइड, यानी आपका येलो रेड का जब भी येलो फ्लैग दिखाया जाता है, देखिए बेसिकली ब्लू फ्लैग का भाग है तो येलो नहीं, कलर आप ध्यान रखिए कौन सा है, ब्लू। तो ये जो ब्लू फ्लैग का भाग है, अगर ब्लू फ्लैग दिखाया जाता है तो ये बिल्कुल एक संदेश क्या दिया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए दो राइडर यहाँ पर बाइक चला रहे हैं, तो जैसे ब्लू फ्लैग दिखाया गया इसका मतलब ये है कि एक फास्ट राइडर है वो आपके बगल की जो लैप है उसके साथ में आने वाला है, तो यहाँ पर जो अगला राइडर है उसको एक तरह से पास देकर आप उसे आगे जाने दें। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे आप इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे दो राइडर हैं, अब मान लीजिए कि ये राइडर तेजी से आ रहा है तो आगे एक तरह से क्या आपको ब्लू फ्लैग दिखा दिया गया, मतलब आपके पास से कोई तेजी से राइडर आपको ओवरटेक करके आगे निकल रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप उसके लैप में घुसकर उसको टक्कर मार दें तो वो तो दुर्घटना हो जाएगी। तो ये ब्लू फ्लैग जो ब्लू फ्लैग है वो इस तरह का इशारा देता है कि भाई नया जो आपका राइडर है वो आपके साथ में एक बगल का जो लैप है उसमें से ओवरटेक करके आगे जा रहा है, हायर स्पीड से आप उसको आगे जाने दें। अब अपनी स्पीड को बढ़ाकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक नया राइडर आ रहा है तेजी से आपके पीछे से, वो ये फ्लैग एक तरह से बताता है। ब्लैक फ्लैग का मतलब यह है डिस्क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर आप देखें कि ये एक तरह से आप कि जो राइडर रहता है माना जाता है कि वो अपने पिट में गया, मान लीजिए कि किसी भी तरह का मेंटेनेंस करना है, और माना जाता है कि उसने अपना लैप खत्म किया है, कुछ मेंटेन करने के लिए बाइक वो अपने पिट में गया है, लेकिन उसको अपनी जो बाइक दोबारा है वो रेस में स्टार्ट करने की अनुमति नहीं है। तो हो सकता है कि कहीं पर रेसिंग में जो ये फ्लैग दिखाए जा रहे हैं उसने वहां पर वो नियम का पालन ना किया हो, तो ये ब्लैक फ्लैग का मतलब है कि इस राइडर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन एक तरह से हो चुकी है। ब्लैक में अगर बीच में ये आपका ऑरेंज कलर का एक सिंबल दिखता है, मतलब ये है कि मैकेनिकल एक प्रॉब्लम है और आप अपने पिट में एक तरह से जाकर जो भी आपका बाइक है उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट करना है, मेंटेनेंस करना है, वो आप करा सकते हैं। और ये अगर आप देखें जो चेकर्ड एक तरह से, यानी जो आपका अगर हम चेस बोर्ड देखें उसकी तरह का सिंबल होता है, ये एक तरह से बताता है कि रेस या जो प्रैक्टिस सेशन है वो फिनिश हो चुका है और जो फर्स्ट राइडर है वो जो इस फ्लैग को पास करता है वो एक तरह से विजेता माना जाता है। तो ये चेस के जैसा एक तरह से चेकर्ड जो ब्लैक व्हाइट का फ्लैग होता है वो आप देखें जब विनिंग लास्ट लैप रहता है वहां पर एक तरह से इसको लहराया जाता है, जो राइडर इसको सबसे पहले क्रॉस कर रहा होता है वो फाइनली एक तरह से विनर माना जाता है। तो ये बेसिक जानकारी का भाग है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह का प्रश्न फॉर्मूला वन के समय पूछ चुका है, तो आप इन फ्लैग के अलग अलग भाग है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ध्यान में आ जाएगा। कलर के साथ में यानी जो सिंबल है उनको देख लेंगे तो आसानी से आपको एक तरह से याद रहेगा। चलिए अंत में मुख्य परीक्षा के दो जो हमारे प्रश्न है वो देख लेते हैं। भारत द्वारा जारी होने वाले विभिन्न प्रकार के वीजा को समझाते हुए आगमन पर वीजा सुविधा के विभिन्न लाभों को स्पष्ट करें। देखिए लाभ में यही है कि टूरिज्म इससे बढ़ता है, या मान लीजिए जैसे मेडिकल टूरिज्म का हिस्सा उसका है वो भी बढ़ता है। तो इस तरह की स्थिति अगर आप आसानी से अनुमति देते हैं कि वीजा अराइवल आपको मिल जाएगा तो टूरिज्म को काफी हद तक मदद मिलती है और भारत इससे काफी हद तक लाभ प्राप्त भी कर रहा है। तो एक बड़ा आप रीजन यहाँ पर ये दे सकते हैं, और जितने मैंने अलग अलग प्रकार डिस्कस किए हैं आप संक्षिप्त में उसको यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरा, मध्य पूर्व एशिया की वर्तमान भूरानीतिक स्थितियों में भारत अपनी भूमिका को किस रूप में स्थायी आधार पर प्रासंगिक बना सकता है। देखिए पहले तो आज की स्थिति क्या है, अमरीका का स्टैंड क्या है, भारत उसमें कैसे भागीदारी कर रहा है, और साथ साथ आपको बताना है कि हम पूरी तरह से अमेरिका की नीतियों को एक तरह से फॉलो करके आगे ना बढ़ें, हम अपनी स्वतंत्र रूप में मिडिल ईस्ट की जो नीति है उसको लेकर आगे बढ़ें। यहाँ पर आप अफगानिस्तान की जो गलती है उसके बारे में भी एक तरह से हिंट कर सकते हैं कि वो एक स्थिति यहाँ पर ना बने, इसके लिए हमें स्वयं रूप में एक किसी देश के साझेदार के रूप में केवल नहीं दिखना है, हम अलग से भी अपनी नीति को एक तरह से एक स्वतंत्र रूप में आगे बढ़ाएं। तो इस रूप में आप इसका विश्लेषण यहाँ पर करें।
तो उम्मीद करता हूँ दोनों प्रश्न जो हमने डिटेल में चर्चा की है पहले दूसरे आर्टिकल में काफी हद तक आपको क्लियर हुए होंगे, तो उत्तर लिखने में उतनी समस्या नहीं आएगी। उत्तर जरूर लिखें मुख्य परीक्षा में, जितना उत्तर लेखन आप करेंगे प्रैक्टिस घर पर आप एग्जामिनेशन हॉल में उतना कम एक तरह से आपके लिए समस्या आएंगी। सीधे एग्जाम में लिखने की स्थिति आपके लिए लाभकारी नहीं होती है, इसीलिए प्रैक्टिस करें। इससे समय कैसे आपको उसका पालन करना है, एक प्रश्न लिखने में 250 या 150 शब्द का कितना समय आपको लेना है, आपकी स्पीड कैसे मेंटेन होगी, वो सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। और एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से अगर उत्तर लिखेंगे अच्छे अंक लाइए और एक रैंक लाइए। इसी कह सकते हैं लक्ष्य को लेकर एक तरह से हमारी तरफ से जो भी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं वो प्रमुख रूप से उसी लक्ष्य में आपको बढ़ाने का एक प्रयास यहाँ पर रहता है। चलिए आज के सत्र को समाप्त करते हैं, और हमारी इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अपने इस विचार को हमारे तक पहुंचाने का एक माध्यम है आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, कमेंट जो भी आपको अगर कोई सजेशन ऐसा देना है तो कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, साथ साथ जो प्रश्न है वो भी एक तरह से आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल यहाँ पर अपने उत्तर दे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देता हूँ कि जो हमने एशियन गेम्स के बारे में कुछ शुरुआत में बात करी क्योंकि हमारा पहला आर्टिकल उसी के साथ जुड़ा हुआ था, तो कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दीजिएगा। एशियन गेम्स की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में कितनी बार आयोजित हुआ है, कोई ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा, या किसी ऐसे शहर का नाम अगर आपको पता है जहां पर सबसे ज्यादा एशियन गेम्स आयोजित हुए हैं, और आने वाले यानी इस साल यानी 2022 का है, देखिए कोविड के कारण 2023 में हो रहा है, तो 2022 चार साल के बाद यानी 2026 और 2030, तो 2026 और 2030 के जो एशियाई खेल हैं वो कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं एशियाई खेल के संदर्भ में, उन्हें भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो सत्र आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ, आप सभी अपना विशेष रूप में ध्यान रखें, धन्यवाद।